हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द एपिसोड ऑफ द गुरु नीति। और देखिए, सेल बायोलॉजी सेकंड के साथ आज फिर हम बात करेंगे। मैं एमएम बलडोदिया और मेरे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, द एनर्जेटिक एंड इंटेलेक्चुअल सर्विस यादव सर। तो आज वाले कंटेंट में बेटा अपन सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट वाले टॉपिक में अपन ने इंट्रोडक्शन और जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपन ने कवर किया। और आज वाले कंटेंट में अपन जो फर्दर सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस निकाले। और इसमें सर बिल्कुल ऐसा है, देखिए हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन, तो अल्टीमेटली वहां से दो क्वेश्चन सर ने जैसा बताया एग्जाम में आते हैं। सेल ऑर्गेनल का जो पोर्शन है, यहां से भी दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस लेक्चर से भी, इस एपिसोड से भी आपको दो से तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो पिछला एपिसोड आपने डिस्कस किया वो पूरी तरीके से प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया पे फोकस्ड था, वहां से भी सर दो से तीन क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से, और जैसा हम देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम पूरी तरीके से जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट हैं, अप्रोचेज हैं, लिंक्स हैं, जितने सारे इंफॉर्मेशन हैं, डेटाज हैं, उन सबकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको और बेटर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4-3, 4-2 तक लास्ट में आपने बात की थी, शुरू करें सर। क्वेश्चन नंबर 4-3, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक पोर्शन इधर न्यूक्लियस दिखा रखा है, और साथ में अगर आप देखें तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एक्सटेंशन बता रखा है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो जो लेबल्ड है, जो लेबलिंग है, इस लेबलिंग के साथ कौन सा मैच करता है सर, ये हमें डिटेक्ट करना है। तो फर्स्ट लिखा है, कंट्रोल्स यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ए, सर ए पे मार्क कर दें। बिल्कुल, ये जो ए यहां पर लेबल है, ये लेबल कर रखा है न्यूक्लियर पोर्स को। क्लियर, न्यूक्लियर पोर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर पोर्स को जैसा सर ने बताया मार्क कर रखा है, और इधर लिखा है कंट्रोल्स यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। फोकस करने वाली बात ये है, डेफिनेटली दैट न्यूक्लियर पोर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, बट नॉट यूनिडायरेक्शनल, दैट इज बाई डायरेक्शनल। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर सर लिखा है बी में, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। बी सर मार्क कर दें। ये बी जो मार्क किया है वो किया है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम बिल्कुल सर एनसीईआरटी का एजिटिव डायग्राम, लेबल भी करेगा, बिल्कुल लेबलिंग है वहां, लेबल्ड है। वहां से लेबलिंग हटाई गई है और यहां से जो है वो एबीसीडी मार्क करके इसको आपको दे दिया गया है। तो बी लिपिड की जगह सिंथेटिक साइट किसका होना चाहिए, प्रोटीन्स, बिकॉज आरईआर वो है। फिर लिखा है स्टूडेंट्स सी, आरएनए एंड प्रोटीन पार्टिकल्स। सी सर आप देखें, ये जो लेबल कर रखा है सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइबोसोम्स को। क्लियर, सो डेफिनेटली राइबोसोम जो है वो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हैं। हाँ। आरएनए प्रोटीन पार्टिकल हो गए ये। देखिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, मतलब हम कह सकते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, ये ध्यान रखने की बात है। तो आरएनए एंड प्रोटीन पार्टिकल्स ये परफेक्टली मैच्ड है। लास्ट वन और देख लेते हैं, फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। डी, ये देखो ये लेबल किया है ट्यूब्यूल्स को, और ट्यूब्यूल्स जो है वो मेनली पार्ट होती है एसईआर का। बिल्कुल, और अपन जानते हैं एसईआर जो है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो ये एग्जैक्टली लिखा जाना चाहिए था किसके लिए, SER के लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके लिए। ठीक है, तो मार्क किया गया है यहां फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि यहां लिपिड सिंथेसिस अगर होता तो ये परफेक्टली मैच हो जाता। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट आंसर इसका जो है वो हुआ थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इससे पहले हम एनसीईआरटी के उसी डायग्राम को एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सर हम पढ़ते हैं GERL सिस्टम, क्लियर, और इसमें देखिए हम कहेंगे गॉल्जी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइजेस। क्लियर, तो ये देखिए इधर न्यूक्लियस आपको बता रखा है सेल का, न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर पोर को यहां लेबल किया गया है, अभी उसी डायग्राम में यही लेबलिंग हम देख रहे थे। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है सर, वो दे रखा है। तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा इनका जो आरईआर और एसईआर का जो फंक्शनिंग पाथ है उसको आप ड्रॉ कर दें। यहां देखो जो ईआर है, यहां दो टाइप की हो जाएगी, एसईआर एंड आरईआर, आरईआर। तो दोनों के डिफरेंस की बात करें, एसईआर जो है उसके पास एटीएस राइबोसोम जो है वो एब्सेंट है, और आरईआर के पास एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी, न्यूक्लियस में भी यहां पर ये स्टेटमेंट दिया है, जो आरईआर है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है, एंड आल्सो बियर
राइबोसोम्स, दीज आर द कंटिन्यू कहां तक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यू है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया, तो आपको ध्यान रहे। और जो मेम्ब्रेन का काफी पार्ट भी कवर करती है, बिल्कुल, जैसे इस तरीके से हम अगर देखें ये न्यूक्लियर एनवेलप है और इस तरीके की जो फोल्डिंग है, तो ये स्टूडेंट्स फोल्डिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होगी। आप देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये मैं कह रहा हूँ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये एक्सटेंशन दे रखा है। जी सर आगे, बिल्कुल। और जो आरईआर है वो इतना तो आपको अभी बताया है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे ओरिजिनेट हो रही है, और जो एसईआर है वो आरईआर से ओरिजिनेट होती है। तो एसईआर की बात करें अपन, तो एसईआर मेनली इन्वॉल्व होती है लिपिड फॉर्मेशन में, लिपिड लाइक एनिमल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में भी एसईआर का, स्टेरॉइड्स वगैरह, स्टेरॉइड, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चंस में भी आएंगे, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में एसईआर का रोल है, जो समरी में दे रखा है। हां एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। और भी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, डी टॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन में भी एसईआर का, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एसईआर का, बिल्कुल, डिटॉक्सिफिकेशन। आरईआर की जैसे हम बात करें तो देखो आप कह सकते हैं आरईआर जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन। अच्छा सर, यहां हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में हम लेंगे, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर रिक्वायरमेंट जो उस पे आप जाएं, जैसे आरईआर सर ने यहां कहा ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है और इस पर राइबोसोम लगा है, तो ये जो है वो एसोसिएटेड गॉल्जी बॉडी को ट्रांजिशनल वेसिकल प्रोवाइड करता है, वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स फाइनली मॉडिफाइड होने के बाद इस गॉल्जी बॉडी की जो ट्रांसफेस है उस ट्रांसफेस से रिलीज हो जाती है। तो क्या सर ये इंट्रासेलुलर यूज हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर यूज भी है? दोनों यूज हो सकती है, दोनों यूज है इनके, वो डिपेंड करेगा सेल पे, हाँ, कि वो प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई है कि जो नेचर ऑफ प्रोटीन है उस पर डिपेंड करेगा, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस जो हुआ है उसकी नेचर पे ये डिपेंड करता है कि दैट विल यूटिलाइज इन द सेल, विद इन द सेल इंट्रासेलुलर होना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बता सकते हैं एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा तो सेल के बाहर एंटीबॉडी को सीक्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सर थोड़ा डिटेल में हम आगे जाएंगे, आगे बात करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा लंबी हो जाएगा और आगे बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें रेगुलेटरी पाथवे और कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे, इस तरीके के पाथवे डिफाइन होते हैं, उनके थ्रू हम इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बच्चों क्लियर आपको हुआ होगा, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट है 44, पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स एंड देयर डिलीवरी आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे ही क्वेश्चन बेस्ड है, जैसा अभी मैं बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपने कहा गॉल्जी बॉडी जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। द गॉल्जी बॉडी इज द चीफ सेल ऑर्गेनेल ऑफ दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और सर गॉल्जी बॉडी के लिए फंक्शनिंग की बात हम करें तो मैं बेसिकली तीन वर्ड कह सकता हूँ, सीक्रेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ठीक है, फाइनली मॉडिफाई ये कर रहा है तो सीक्रेशन में इन्वॉल्व है ही है, फिर वेसिकल्स को उनकी पैकेजिंग कर रहा है, उसके बाद में प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम इसी का है। इसलिए देखो कई बार पोस्ट ऑफिस, हाँ, पोस्टमैन, ऐसे टर्म, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, ट्रैफिक कंट्रोलर, डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, इस तरीके से कह दिया जाता है। तो जो गॉल्जी बॉडी है वो एग्जैक्टली आप ये कहेंगे प्रिंसिपली परफॉर्म करता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट तक इन सीक्रेटरी वेसिकल्स को जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू जनरेट हुई है उनको पहुंचाने का। तो हम बहुत इजीली आंसर पे जा सकते हैं, दैट इज द गॉल्जी एपरेटस, पूरा प्रोसेस है जिसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। 45, हाउ मेनी ऑफ द फीचर्स विच गिवन इन द बॉक्स आर एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपको दिया है, आप जानते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, तो हरित लवक से रिलेटेड क्या क्या है? देखो पहले कह रहा है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब सर मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊं, मतलब एक बच्चे की तरह सोचूं, या कई बार बच्चों का जो माइंड सेट ऐसे ही होता है, हालांकि एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिखा है ये कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स वहां क्लोरोप्लास्टिडियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, हमें ये पता होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो 70S राइबोसोम्स इसके पास है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है तो इसकी अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट पे दिमाग हमारा नहीं जाता है, जबकि हमें ये पता होता है कि ये फोटोसिंथेसिस का साइट है, जितना कार्बोक्सिलेशन हो रहा है सारा यही हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी यही आ रही है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इट इज आल्सो द साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एंड प्रोटीन। सर देन आफ्टर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है एंड दैट इज डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया 19 में माइटोकॉन्ड्रिया को पूछा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया पूछे चाहे आपसे ये पूछे, डीएनए सर्कुलर डीएनए एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है, देन 70S
उनका अपना जीनोम है और उनकी अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीन भी है, और ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहले आ चुका है जो माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में था। तो इनकी अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीन भी है, जैसा सर ने कहा 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है और इनका अपना जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट है, इसलिए ही ये दोनों जो हैं वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। डीएनए आ गया, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, देन आफ्टर प्रोटीन का फॉर्मेशन। हां सर नेक्स्ट लिखा है डीटॉक्सिफिकेशन, ये अभी बताया था। डीटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो एसईआर का फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। हां डेफिनेटली, तो ये देखिए इसमें नहीं होगा तो हम काउंट कर लेते हैं। सर हमारे पास फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हुआ, डीएस डीएनए हो गया और 70S राइबोसोम हो गया। थ्री स्टेटमेंट से थ्री जो फॉर्म्स हैं वो हमारे पास करेक्ट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45 द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट ये डायग्राम, इस डायग्राम को हमने लिया उसी क्वेश्चन से रिलेट करता है। तो देखो एग्जाम में बहुत सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच पूछी जाती है सर। इवन एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, उसका साइट क्या है। तो देखो आप इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो हो नहीं सकता कोई भी, तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच पे जाता है। आप ये देखिए, ये आप जानते हैं ग्रेना थाइलेकोल्ड जो स्टैक्स यहां प्रेजेंट हैं, और इन ग्रेना थाइलेकोल्ड को कॉइन लाइक और स्टैक्स अपीयरेंस में आप देख सकते हैं। अब यहां दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो सर हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए फ्रेट लैमेला और स्टोमा लैमेला इसको कनेक्ट करता है, ये आप देख सकते हैं सर। ये इस तरीके से ट्यूबुलर एक्सटेंशन होता है, लेवल भी कर रखा है, वो लेवल भी कर रखा है, ठीक है। तो सर यहां क्या है, जो फोटोसिस्टम की जो प्रेजेंस है उसको हम देख लेते हैं। तो आप ये जानते हैं कि इस तरीके से ये स्टैक्स जो प्रेजेंस हैं उनमें ओपन जो सरफेस होती है उधर पीएस फर्स्ट की प्रेजेंस होती है, जिसको हम नॉन एप्रेस्ड भी कह सकते हैं, और जो क्लोज सरफेस है ये सर है एप्रेस्ड पार्ट, उधर पीएस सेकंड की प्रेजेंस होती है। तो ग्रेना थाइलेकोइड को तो इसीलिए हम साइट कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, क्योंकि उसमें पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, काम की बात ये है, ये जो स्ट्रोमा लैमेली है ये साइट है एग्जैक्टली सर, ये साइट है यहां पर देखो, ये एक तरह से सर ने जैसे बताया ना नॉन अप्रेस्ड डीजल की तरह ही है, ओपन है। हाँ। तो यहां पर भी कौन प्रेजेंट होगा, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होगा, और ये पीएस फर्स्ट अगर सर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होगा। इवन अगर आप देखो, हम कनेक्ट करने की कोशिश, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे जितना सब्जेक्ट कनेक्ट हो सकता है फोटोसिंथेसिस में, जहां ये दे रखा है, जहां सर लाइट रिएक्शन दे रखी है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दे रखा है, वहां लिखा है द पॉसिबल लोकेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी दैट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो क्या है, स्ट्रोमा लैमेली। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इवन वहां तो ये भी कनेक्ट किया है कि जो स्ट्रोमा लैमेली है वहां पीएस सेकंड एब्सेंट होगा और एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट होगा, इससे वहां जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही, वहां पूरा मैकेनिज्म है। हाँ, पूरा मैकेनिज्म है और वहां पर भी डायग्राम दे रखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर डायग्राम, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं सर ये दोनों मेम्ब्रेन, आप एक बार बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर दें, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और थोड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बात करते हैं, यहां पर भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमिएबल है। हाँ, और इनर मेम्ब्रेन है वो लेस पोरिंस की बात है। हाँ, बिल्कुल, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंस प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका, ये भी लिखा है दोनों जगह, सेल बायोलॉजी में और फिजियोलॉजी दोनों जगह आपके काम का है, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सेल बायोलॉजी में आप यहाँ जो स्ट्रक्चरल रेफरेंस पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली जो आउटर मेम्ब्रेन है मोर परमिएबल होगी, इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल, ये भी अपन कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो मोर सेलेक्टिव होगी। हाँ, मोर सेलेक्टिव, डेफिनेटली मोर सेलेक्टिव होगी क्योंकि परमिएबिलिटी ज्यादा चेक कर रही है वो। बिल्कुल, क्लियर। तो आगे बढ़े, इसके अलावा जैसे डायग्राम दे रखा है जो डीएनए मेंशन कर सकते हैं आप, वहां डायग्राम में भी कर सकते हो, यहां पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट है, और मेंशन कर लो जहां डीएनए है ये आरएनए का फॉर्मेशन भी करेगा, और यहां पर ये है आपके 70S आरएनए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बारे में करेक्ट रेफरेंस पूछा है, सर लिखा है फिक्स्ड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी, थोड़ा ड्रॉ करते हैं सिस्टर्नी। आप उधर गोल्जी बॉडी में देखो ये सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ये एक बार थोड़ा सा इनको ड्रॉ कर देते हैं जी, ये सिस्टर्नी, और ये सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड भी है, दैट इज द
सिस फेस, हाँ, जो रिसीविंग फेस होती है, ये टुवर्ड्स द ईयर और न्यूक्लियस। तो यहाँ देखो स्टेटमेंट दिया फिक्स नंबर ऑफ सिस्टर नहीं, ये फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, वेरिएबल, ये जनरली 4 to 8, ये वेरी करता है नंबर में, फिक्स कभी नहीं होता, ये एग्जैक्टली फंक्शनिंग पे भी बेस्ड है, बिल्कुल। फिर कह रहा है द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। जैसे अपन ड्रॉ करके बताएं, ये न्यूक्लियस है, जी ये न्यूक्लियस, तो जो गोल्जी बॉडी होती है ये न्यूक्लियस के यहाँ पास में प्रेजेंट होती है इस फॉर्म में, और दैट इज द कंसेंट्रिक फॉर्म, और ईआर के साथ एसोसिएटेड, और ईआर के साथ एसोसिएटेड होंगी। अच्छा सर एक चीज है, यहाँ न्यूक्लियस लिखा है, इसकी जगह अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखता तो भी ये परफेक्ट होता, बिल्कुल ठीक है ना, डेफिनेटली दैट इज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसोसिएटेड, करेक्ट जी। फिर लिखा है द सिस एंड द ट्रांस स्पेस ऑफ द गोल्जी ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट, डेफिनेटली सिस और ट्रांस स्पेस, ये बताया सिस और ट्रांस स्पेस है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, बट इंटरकनेक्टेड। एनसीईआरटी में लिखा है कॉन्वेक्स कॉनकेव, बिल्कुल ये कॉन्वेक्स फेस है जी, और इसको बोलते हैं कॉनकेव, ये शेप के अकॉर्डिंग होगा, हां शेप के अकॉर्डिंग, जैसे देखेंगे तो एक आपको कॉन्वेक्स दिखेगा, हां, और ये कॉन्वेक्स टाइप। एक टर्म और लिखी है एनसीईआरटी ने, दैट इज द फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, इन्होंने कोई भी टर्म यूज कर सकता है, इसको रिसीविंग कह सकते हैं, फॉर्मिंग कह सकते हैं, इसको रिलीजिंग कह सकते हैं, एंड मैच्योरिंग, मैच्योरेटिंग फेस कह सकते हैं, मैच्योर फेस कह सकते हैं। यहां से वेसिकल्स रिसीव करेगा, यहां से रिलीज करेगा, वेसिकल यहां से रिसीव होंगे, यहां से वेसिकल रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो देखिए फिर लिखा है मोर देन वन ऑप्शंस, करेक्ट। तो देखो हमारे पास ये फिक्स्ड नंबर था, ये इनकरेक्ट हो गया था, ये डेफिनेटली करेक्ट था, सेकंड करेक्ट था, थर्ड करेक्ट है, तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स आंसर यहां क्या हो जाएगा, 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हां स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द आंसर व्हिच करेक्टली मैच द ऑर्गेनल एंड इट्स फंक्शन। तो कुछ ऑर्गेनल और फंक्शन सर हमें दिए हैं, इनको हम डिटेक्ट करेंगे। यहां ऑर्गेनल आपको दिया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, जो संकुचनशील रसधानियां है जिसका फंक्शन देखिए सामने, उसको मैच करवा रखा है फैगोसाइटोसिस से, बट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम का फैगोसाइटोसिस कोई रिलेशन नहीं होगा, तो वो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट मैचिंग। फिर दे रखा है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के साथ आपको दिया है सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स, नहीं होगा, बिल्कुल ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये फंक्शन एसईआर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा हम बात कर चुके हैं, आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, और उसके साथ दिया है देखिए प्रोटीन सिंथेसिस, और ये करेक्ट मैचिंग है, आरईआर इज द मेजर साइट फॉर द प्रोटीन, बिल्कुल। एसईआर लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां देखो मैच करवा रखा है सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, इनकरेक्ट रेफरेंस हो गया, बिकॉज तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या लाइसोसोमल एंजाइम है आरईआर के थ्रू ही सिंथेसाइज होके आते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट मैच जो ऑप्शन है वो होगा थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं 48, मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हमें दिया है, पहले दिया है थायलेक्वाइड्स, सिस्टर्नी, ठीक है, क्रिस्टी और मैट्रिक्स, इस तरीके से दिए, तो कौन सा किसके साथ मैच करेगा, स्ट्रक्चरल रेफरेंस है, बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखिए थायलेक्वाइड्स सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, तो आप देखिए या इधर से पढ़ लेते हैं, द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियस है इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में आप जाए तो मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। फिर सर दिया है इनर फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये देखिए क्रिस्टी हम कह सकते हैं। फिर दिया है आपको डिस्क शेप्ड सेक्शन द गोल्जी बॉडी, सिस्टर्नी, ऑब्वियस है सिस्टर्नी आप कह सकते हैं। और लास्ट सर दिया है फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्शन द स्टोमा, थायलेक्वाइड ग्रेन, इनको मैच डायरेक्टली कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, हाँ ये से मैच हो जाएगा, बिल्कुल सिस्टर्नी जो है यहाँ मैच कर देंगे, और जो मैट्रिक्स है इनर, नहीं सर ये इधर मैच होगा, ये यहाँ मैच हो जाएगा, और जो सिस्टर्नीज है ये मैच हो जाएंगी अपनी इनर फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इन्फॉर्मेटिव है बच्चों को सब पता, उसके अकॉर्डिंग आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंसेस नीडेड बाय ए सेल, किसी एक कोशिका को जितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, कह रहा है कोशिका के आवश्यक निर्माणकारी पदार्थों के निर्माण में भाग लेता है। तो देखो यहां पेयर दे रखा है, देखो लाइसोसोम तो निर्माणकारी पदार्थों में के निर्माण में भाग नहीं लेगा, दो काम की बातें हैं, वो कह रहा है ऑर्गेनल इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंसेस, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूटिव हो, जैसे प्रोटीन और लिपिड बेसिकली आप कह रहे हैं मेम्ब्रेन को बनाते हैं, इसके अलावा बेसिकली प्रोटीन ही से फॉर्म्स होते हैं, तो लाइसोसोम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इसमें, और आप ये जानते हैं बच्चों, ये तो सर ऑटोफेगी हेटरोफेगी दोनों में इन्वॉल्व है, ये बनाना काम नहीं है इसका, ये ओरल डाइजेशन ब्रेकडाउन करता है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है वैक्यूल, ये बेसिकली स्टोरेज स्पेस है, तो इसका भी मैन्युफैक्चरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, हाँ डेफिनेटली ये मैन्युफैक्चरेशन में इन्वॉल्व होता है, स्पेयर को रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसमें भी वैक्यूल है इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए राइबोसोम है, आरईआर, एसईआर, सर ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, बिल्कुल जी।
इसमें आप जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, आरईआर जो है दैट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ऐसी लिपिड्स करती है स्टेरॉइड्स, इसमें फिर लाइसोसोम है, वैक्यूल है, तो आपके पास परफेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा थर्ड, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंसेस जो है उनको बनाने वाले ऑर्गेनल्स का ये पेयर है। लेकिन सर यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, आरईआर और एसईआर जो है वो तो दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, राइबोसोम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट काउंट नहीं किया गया है। बिल्कुल सिंपल है, राइबोसोम मेम्ब्रेनस ही नहीं है। हाँ, तो मतलब बहुत सीधा लॉजिक है कि नॉन मेम्ब्रेनस है इसलिए आप ये कह सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा गया है। सर अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे और आपने परमिएबिलिटी भी कहा था, आउटर मेम्ब्रेन जी, इनर मेम्ब्रेन, तो हमने कहा था देखो पोरिंस की प्रेजेंस इस पे तो ओबीएस है ये मोर परमिएबल होगी, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है दैट विल बी द मोर सेलेक्टिव, क्लियर, अधिक चयनात्मक होगी। तो अब परमिएबिलिटी ओबीएस से चेक कर सकते हैं आप, तो देखो पहले लिखा है रेस्पेक्टिव रेफरेंस देखना ना सर, आउटर लिखा है तो आउटर के केस में आप कहेंगे मोर परमिएबल एंड इनर लेस परमिएबल, तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा सेकंड। बहुत परफेक्ट कंसेप्ट आपके पास ये होना चाहिए, इवन बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स, क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं 51, 28s आरएनए एंड 5.8s आरआरएनए आर द कंपोनेंट्स ऑफ, सर राइबोसोम जो है वो आप जानते हैं 70S और 80S जो दोनों हैं वो स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट्स के बने हैं, कॉम्पोजिशन आप इसमें डाल दें। अगर मैं ये 80S पूछा है हमारे से, सॉरी हमें पूछा है कि ये कौन से में प्रेजेंट होंगे, तो 80S का डायग्राम, जी 80S का डायग्राम हम कह सकते हैं। देखिए इसमें तो होता है इसमें 18S, ये तो होगी जैसा कि आपने बताया स्मॉल सब यूनिट दैट इज 40S, 40S दैट इज 60S, ये 40S होगी, ठीक है। 60S है उसमें तीन टाइप के आरआरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, 28S जी ये हो जाएगा 28S, एक होगा आपका 5.8S एंड दैट इज 5S जो दोनों में कॉमन होता है, बिल्कुल, एंड स्मॉल सब यूनिट कंसिस्ट 18SRR, क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रक्चरल रेफरेंस का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया। 70S की हम बात करें साथ ही सर कर लेते हैं, 70S आल्सो कंसिस्ट टू सब यूनिट्स दैट इज स्मॉल, और इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये है 50S और वो ये हो जाएगा 30S, और ये अपने लास्ट लेक्चर में भी डायग्राम ये आया था, हमने बात बताया था स्मॉल सब यूनिट में होता है आपका 16SRR एंड लास्ट सब यूनिट कंसिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ RRR, 33S एंड 5S, तो आपको पता होना चाहिए 5S दोनों में कॉमन होता है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चरल रेफरेंस राइबोसोम का रहा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर हो गया 28S दे रखा ना हमें, तो सबसे पहले 60S सब यूनिट हमें देखना पड़ेगा, 60S सब यूनिट ऑफ द 80S राइबोसोम, इस पे ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जल्दीबाजी में जो हां गलत हो जाता है कई बार क्योंकि 60S सब यूनिट ऑफ 70S, और ये आप अगर थोड़ा कम धैर्य आप में तो यहां तक जाके यहां गलत हो सकते हैं आप, ठीक है, तो इसको देखेंगे और से ये सही आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स अक्रॉस, झिल्ली द्वारा सुसाध्य विसरण होता है, तो देखो सुसाधित करने की बात की जा रही है तो डायरेक्ट तो पहुंचाना ही नहीं है आपको, लॉजिक आपके पास यही होगा, ये जो मेम्ब्रेन है सर मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्टर्स की बात हमने लास्ट लेक्चर में कर रखी है, तो उसमें आप ये जानते हैं जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो प्रेजेंट हैं, इसके अलावा कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं, तो स्टूडेंट्स हमें पूछ रहा है ये कि कौन से टाइप के सब्सटेंसेस जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जाएंगे, ठीक है। तो सर देखो ये लिखा है व्हेन नॉन पोलर सॉल्यूट मूव्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, तो फैसिलिटेटेड लिखा है इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग जाएगा, ये तो हम ले सकते हैं। अब सर वो चीजें वहां आप मेंशन कर दीजिए बच्चों के लिए जहां जिससे हम ये कह सकते हैं कौन से सब्सटेंसेस के लिए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी शो नहीं करती है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, चार्ज आयंस, पोलर हो गए जी, पोलर सबसे पहले चार्ज हो गए, या बोल सकते हैं जो लिपिड में डिजोल्व नहीं होते, जो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के नहीं है, तो वो डायरेक्ट इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे लिपिड बाई लेयर, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले तो लिखा है नॉन पोलर सॉल्यूट्स मूव अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर जो है ये सिंपल डिवीजन से चला जाएगा, क्योंकि लिपिड बाई लेयर तो आपने ये पढ़ी रखा है ना, देखिए ये कंडीशन है तो ये जो पोर्शन है वो तो खुद कैसा है नॉन पोलर तो डेफिनेटली ये चला जाएगा, तो इसको तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी फैसिलिएशन की, फैसिलिएट करवाना है आपको। फिर कह रहा है व्हेन नॉन पोलर सॉल्यूट मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, अगेंस्ट कर दिया, इसलिए डिफ्यूजन की बात कर रहे हो, फैसिलिटेट डिफ्यूजन,
तो अगेंस्ट लिखते ही सर वो इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है व्हेन पोलर सॉल्यूट मूव्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, इस पे फोकस करें स्टूडेंट्स। पोलर जा नहीं सकता था, अब ले जाना है तो ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेफिनेटली ये क्या किया जाएगा, फैसिलिट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट मुझे करेक्ट आंसर इसका लग रहा है। फिर देख लेते हैं व्हेन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव्स अगेंस्ट, तो ये यहां गलत हो गया अगेंस्ट में। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा थर्ड। इसमें दो की पॉइंट हो गए, एक तो हो गया आपका पोलर और दूसरा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो फैसिलिटेटेड लिखा है इसलिए आपको अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जाना है। फिर आपको देख लेना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। सर ने अभी उधर मेंशन कर ही दिया है, जो पोलर है वो नहीं जा सकते, जो चार्ज्ड है वो नहीं जा सकते, लार्ज साइज है वो भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए आपको अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब उसको फैसिलिएट करना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिवाइड बाय, देखो बहुत इजी बिल्कुल और बेसिक अप्रोच वाला क्वेश्चन है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डिवीजन की कैपेसिटी होती है बिल्कुल, बट जो डिवीजन का जो मैनर है वो है बाइनरी फिजन, जस्ट लाइक द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एनसीईआरटी में लास्ट लाइन मेंशन की है, सेल बायोलॉजी में जहां माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है उसकी लाइन मेंशन की है। और सर कंपैरिजन भी किया है कि इवन जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया है, तो ये जो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू बैक्टीरिया डिवाइड होता है, फ्यूजन आपको एक दे रखा है। अच्छा एक बात सर हम और यहाँ करना चाहेंगे, थोड़ा सा सेल साइकिल से इसको कनेक्ट कर देते हैं। आप ये पढ़ते हैं जो सेल साइकिल है उसमें जैसे ये मैं एम फेज बाहर निकाल दूं, ये मेरे पास जी1 है और ये रेस्टिंग जी0 कह सकता हूं, ये एस है और ये जी2 है। आपने ये पढ़ा है कि जो सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन है या सेल ऑर्गेनल्स का जो डुप्लीकेशन है वो बेसिकली जीवन में हो जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्यूजन के थ्रू बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली जी2 में ही बनते हैं। तो इसका बेसिक रीजन थोड़ा बच्चों को अगर हम बता दें तो थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ये आप जानते हैं कौन सी फेज है, सिंथेटिक फेज। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ही है, फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है भाई आपके दिमाग में आ सकता है। डिवाइड खुद हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस अपना खुद कर सकता है, जीनोमिक डीएनए का अपना है, तो फिर इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा गया, फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं है। तो उसका बेसिक रीजन है एग्जैक्टली इट एग्जिस्ट इन सेल अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर जीनोम। ठीक है, तो देखो सर इसीलिए तो ना जस्टिफाई हुआ स्टेटमेंट कि एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा न्यूक्लियस में उसके बाद ही ये डुप्लीकेट होगा, बाद ही इसकी कॉपी जो है वो बनेगी। क्योंकि पहले अगर ये ऐसा करता है तो फिर तो ये एश्योरेंस नहीं आया ना, क्योंकि कंट्रोल किसमें था, बिल्कुल न्यूक्लियर कंट्रोल था। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और दो स्टेटमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर उसको कंट्रोल ऐसे कर लिया कि जीवन में माइटोकॉन्ड्रिया फिर एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, फंक्शनली जो है एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पर आपका डीएनए का फॉर्मेशन होना है और भी एक्टिविटीज हो रही है, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट भी है, डीएनए फॉर्मेशन होना है, रेप्लिकेशन हुआ, स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल। तो इसलिए जो है उसको यहाँ एक्टिव फॉर्म में रहना है। तो अपना सारा काम एक तरीके से पूरा करके यहाँ जाके अपने आपको वो क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स आंसर सेकंड। और ये कंपैरिजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपने बताया क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया का, वो भी अपन बता देंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस को पुट अप कर लेता है काफी, जो उनमें सिमिलरिटीज जो है हां उसमें से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बिसाइड्स गिविंग आउट सीक्रेटरी वेसिकल्स द गॉल्जी एपरेटस इज आल्सो कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ, तो जीबी या गॉल्जी एपरेटस के बारे में सर यहां डिस्कस कर रहा है। ये कह रहा है सेल प्लेट आफ्टर सेल डिवीजन इन प्लांट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली जो सेल प्लेट बनती है फ्रेग्मोप्लास्ट, आप स्टूडेंट्स जो जानते हैं जो बेस बनता है वो गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम्स जो है वो वेसिकल्स इनकॉर्पोरेट करते हैं ट्यूबल्स में, जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट है उसके अंदर। लेकिन यहां जो पकड़ने वाली बात है दैट इज आफ्टर सेल प्लेट, आफ्टर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद नहीं बनती है सेल प्लेट, तो पहले बन चुकी होती है। अगर ये यहां से हटा दिया जाता तो देखो ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से इसको स्लाइटली जो है ना वो कंफ्यूजिंग किया है। तो ये देखें आप, फिर है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन, जो प्रोटीन का जो ग्लाइकोसाइलेशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल गोल्जी बॉडी है। जैसे मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे आरईआर है जी, आरईआर से बन गया प्रोटीन और एसईआर से आपका मेनली बन गया लिपिड। तो जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं तो उनका जो मॉडिफिकेशन है वो होगा गोल्जी में, तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच करेगी तो ये हो जाएगा ग्लाइको प्रोटीन एंड ये ग्लाइको लिपिड। और सर दो वर्ड लिखे वहां, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। क्लियर? ये पता होना चाहिए बच्चों आपको, रेस्पेक्टिवली कह सकते हैं हम ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स लिखा है ग्लाइकोजन स्टोरेज, तो स्टोरेज जो है वो एग्जैक्टली इसका फंक्शन नहीं होगा। फैट सिंथेसिस इसका फंक्शन नहीं होगा, बताया फैट सिंथेसिस
और जो थोड़ा सा वाइड अप्रोच हम ले रहे हैं तो उसका फायदा ये की सारे क्वेश्चन जो है उनके कोई ना कोई कंसेप्ट और इन्फॉर्मेशन पहले से हम कवर कर चुके हैं, तो ये अप्रोच जो मिलता रहेगा इसी तरीके से। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो पहले बच्चों हम ऐसा करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम सर, है ना, रिवर्स कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम दे रखा है। आउटर मेम्ब्रेन, जैसा आपने डिस्कस किया पहले से, आप जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें प्रेजेंट जो होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन में आप स्टूडेंट जानते हैं पोरिंस की प्रेजेंस है, ठीक है सर। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी बनाती है या कॉन्वोलेटेड इनर फोल्डिंग क्रिएट करती है, जो एक तरीके से इसका आप कह सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ये लेवल भी कर रखा है, ये लेवल कर रखा है। फिर उसके बाद सर उधर आप मार्क कर दें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पीएमएस, ये पीएमएस जो है, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये कहां होगा, बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और एक एनसीईआरटी स्टेटमेंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों जो मेम्ब्रेन आउटर इनर, हाँ, वो दोनों मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की स्पेस को दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती हैं। तो जो आप मैट्रिक्स जो है वो इंटरनल कंपार्टमेंट हो गया और ये जो स्पेस है ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पीएमएस इज द आउटर कंपार्टमेंट जैसा सर ने बोला, और मैट्रिक्स जो है बच्चों वो क्या है, इनर कंपार्टमेंट। अब देखो इसकी ट्रीटमेंट से, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं ब्रीफ कर लेते हैं। आउटर इनर मेम्ब्रेन का रेफरेंस आपके पास हो गया, आउटर मेम्ब्रेन कई बार हम बात कर चुके हैं मोर परमिएबल होगी, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होगी, दोनों के बीच जो स्पेस है सर अभी कह रहे थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दैट इज द पीएमएस, और वो जो है वो अपने आप में एक कंपार्टमेंट है। देखो सर ये एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम जो क्रिएट करता है, तो जितना प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्मेशन है, जो प्रोटोन ग्रेडियंट है वो ऑब्वियस है कहां बनता है, इसमें पीएमएस में। और एक स्टेटमेंट हम जनरली बोलते हैं, द पीएमएस इज मच एसिडिक देन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ प्रोटॉन्स, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये प्रोटॉन्स वहां एक्युमुलेट होते हैं। और एक बात मैंने एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट को मैं डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी ये कहती है कि जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है बोथ आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन दोनों में एंजाइम है स्पेसिफिक, वो भी स्पेसिफिक है। सर जनरली क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन का तो हमें पता होता है, किसी भी बच्चे को आप पूछो तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो सीधा कह देगा कि सर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे लगा होता है, आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम की बात बच्चे नहीं करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन पर और इनर मेम्ब्रेन दोनों पर आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं एंजाइम्स स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके मैट्रिक्स को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जानते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल एंजाइम है, क्रेब्स साइकिल का साइट भी ये है, और यहाँ स्पेसिफिकली एनएडीएच और एफएडीएच जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स हैं उनका फॉर्मेशन करता है, और बाकी भी काफी सारी एक्टिविटीज हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनके लिए भी सारे मेटाबोलाइट्स एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। बिल्कुल, और एक स्टेटमेंट भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें सबसे ज्यादा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम सेल का एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम है, सेल का पावर हाउस है, और एटीपी के फॉर्म में सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक स्टेटमेंट हम सर कई बार हर एक जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, द बायोलॉजिकल रिएक्शंस रिक्वायर द मेटाबॉलिक एनर्जी, दैट मेटाबॉलिक एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द रेस्पिरेशन। और फेवर भी देखो सर बायोलॉजिकल सिस्टम में एटीपी को किया गया है। हाँ बिल्कुल, एटीपी फॉर्मेशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया, और इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्वेश्चन भी आता है, जो हम आगे बात करेंगे जहां भी कंसेप्ट रिलेट करेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, क्लियर, ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस, या एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस की लगती है, इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। मैंने कई बच्चों में मिसकंसेप्शन देखा है सर, वो कह देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है अल्टीमेटली वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, तो ऑक्सीजन रीजन नहीं है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहने का रीजन है द प्रोसेस अकर्स, या फिर आप कहेंगे रेगुलेट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी, ये ध्यान रखें बच्चों आप। तो क्वेश्चन पे आ जाए वापस, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें हमने डिस्कस की बच्चों। ये देखो क्वेश्चन है आपका, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कह रहा है इन दिस स्ट्रक्चर साइट फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड क्रेब्स साइकिल इज। तो देखो
बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में जो आपने पाइरूवेट बना लिया, उस पाइरूवेट को आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करवाना है अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो एंटर करता है तो क्या सर मैं ये कह सकता हूँ, एनसीईआरटी हालांकि मेंशन इसको नहीं करती, लेकिन जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और पीएमएस है वहां से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है कंप्लीशन मैट्रिक्स में। जी हाँ, कंप्लीशन मैट्रिक्स में होता है। तो साइट भी वो उन्होंने मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स ही दिया है। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो आपको मिलेगा एग्जैक्टली, ये एसिटाइल कोएंजाइम तो आपको मिलेगा मैट्रिक्स में। तो जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जिसको लिंक रिएक्शन भी हम कहते हैं, उसका सर साइट आपको बता रखा है मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में क्रैब साइकिल लिखा है, तो क्रैब साइकिल तो आप जानते हैं परफेक्टली जो है वो कहां हो रहा है, मैट्रिक्स में। तो डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का साइट तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ईटीएस जो होता है सर, इनर मेम्ब्रेन होता है। जी इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस होता है। तो मैं ये ऑप्शंस पढूं, पहला कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। तो देखो आउटर मेम्ब्रेन की तो बात ही आपको नहीं करनी है, बिल्कुल क्लियर। फिर कह रहा है इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें हो रहा है ईटीएस, और मैट्रिक्स में हो रहा है जो आपने कहा अभी लिंक रिएक्शन और बिल्कुल गेटवे पाथवे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड एफ वन पार्टिकल, देखो ये पीएमएस कह रहा है, जो अभी हमने फंक्शन एक डिस्कस किया था सर, हमने डायग्राम के साथ डिस्कस किया था कि वो जो स्पेस है वो प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने के काम अल्टीमेटली आता है। आउटर मेम्ब्रेन लिख दिया तो स्टूडेंट्स ये भी गलत हो गया, तो आपके पास आंसर यहाँ आ गया इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स, ये फंक्शन से रिलेटेड हो गया। हाँ, ये फंक्शन से डायरेक्ट फिजियोलॉजी को भी कॉन्टेक्ट, सीधा सीधा कनेक्ट करता है। आप देखो ना सर, अगर आपने अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है तो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अच्छे से क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने सेल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो डेफिनेटली पूरा सब्जेक्ट समझने में आपको, कहना चाहूंगा जो स्ट्रक्चर्स होती है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चर अगर आपकी क्लियर है ना तो आप मैकेनिज्म को इजिली जो है अप्रोच कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल। फंक्शन पे आप तब जाओगे ना जब आपको स्ट्रक्चर का पता होगा। जी नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 56। The inner membrane of the mitochondria forms a number of infolding towards the matrix. ये बच्चों इसकी बात कर रहे हैं सर, अभी हमने काफी डिस्कस कर लिया है इस पे। फिर कह रहा है एंड कॉल्ड विच इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगी, तो सर हम सीधा कह सकते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, और उसको कहा जाएगा उधर मेंशन कर दें सर आप कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है यहां माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली आधात्री की तरफ अनेक अंतर्वलय निर्मित करती है जो सतही क्षेत्र को बढ़ा देगा और क्रिस्टी कहा जाएगा। तो देखो ये दे रखा है सरफेस एरिया एंड क्रिस्टी, ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। हाँ, कुछ जनरल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे कैसे आपको पूरी जो क्वेश्चनरी हम जो डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं, जो बायोडीटीएस का कंटेंट भी हमारा पूरा तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सर ये बात कह सकता हूँ कि जितना कंटेंट मैटर ये बच्चों को मिल रहा है इस गुरु नीति में, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पूरे सब्जेक्ट की अप्रोच तो आपको देगा ही, साथ में आपका एनसीईआरटी का जो रेफरेंस है, जो लाइन स्टेटमेंट्स और जो भी लिखे वो बहुत परफेक्टली क्लियर करेगा। और हम लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी उसका भी स्पेसिफिकली यहाँ ध्यान रख रहे हैं, इन एन और एट ऑन इफ, ये जो भी मेंशन वहां किया हुआ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और एक बात कहना चाहूंगा सर बच्चों को, मैं कई बार मैं बोलता भी हूँ क्लास में भी, जैसे आपको अगर एग्जाम को नॉर्मली फाइट करना है, अच्छे ठीक ठाक मार्क्स लाने हैं, तो एनसीईआरटी मेरे ख्याल से जितने भी कंटेंट दे रखे हैं टॉपिक्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल, तो अप्रोच कर लोगे। और आपको अगर बहुत उससे अच्छा करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना, हर स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट आपका टिप्स पे होना चाहिए। और आपको बहुत अच्छा करना है, सुपीरियर करना है, तो हर स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग वर्ड पे भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और आजकल पेपर पैटर्न भी वही हो गया, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वाइड नहीं जाता है वो। हाँ, लेकिन इनकी एक फायदा है, भले ही सर क्वेश्चन नहीं पूछे, मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन भले ही वो नहीं पूछ रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सब्जेक्ट की थीम को समझने के लिए आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग पे जाना पड़ेगा, अप्रोच पे जाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी है सब्जेक्ट उतना अच्छा है। जी तो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं 57। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फाउंड इन द अबंडेंस इन सेल्स और द टिश्यू हैविंग, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन से सेल्स और टिश्यूज में अबंडेंस होगा। देखिए मिनिमम एक्टिविटी मतलब ही नहीं है ये, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे इंस्टेंटली आंसर कर सकते हैं, जहां मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ज्यादा होगा, जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वहीं जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का अबंडेंस। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की बात की जा रही है। तो सर ने बहुत परफेक्ट बात आपको कही है, एनर्जी जहां ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल टू सेल वेरी करेगा। और अभी आपने बताया था न्यूक्लियस के कंट्रोल में, तो न्यूक्लियस अपने आप उसको डिवाइड करवा देगा। हाँ, न्यूक्लियस कंट्रोल देगा कि भाई नंबर इंक्रीज करो क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए। जी जी ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एज दे पॉजेस, देखो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सर। सेमी ऑटोनोमस कहने के दो बेसिक रीजन है, उसका अपना
जीनोमिक डीएनए है, उसका अपना उसके पास राइबोसोम है। तो देखो ऑप्शन हमारे पास है, एक सिंगल में डीएनए लिख के दे दिया, एक में डीएनए आरएनए लिख के दे दिया, तो एक ऑप्शन हमारे पास परफेक्ट ये बचता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डीएनए है तो ऑब्वियस है ये भी होगा, ये बनेगा, और राइबोसोम्स हैं तो स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स स्वायत्त शासी। जैसे अभी आपने एक बात भी बताई थी कि पूरा सेमी ऑटोनोमस, तो उसको एक स्टेटमेंट में अपन खत्म कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, बिकॉज़ रीजन उसका जो है बिकॉज़ इट कंसिस्ट इट्स ओन डीएनए, इट्स ओन जीनोमिक डीएनए आरएनए राइबोसोम, सो इट कैपेबल टू परफॉर्म, कैपेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन्स, सम ओन प्रोटीन्स बट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस फॉर अदर्स। हां तो कंट्रोल न्यूक्लियस के पास है, इसीलिए ये वर्ड लगा दिया गया सर, मतलब अर्ध स्वायत्त शासी ऑटोनोमस जो है स्वायत्त शासी होता है जिसका अपना खुद का नियंत्रण खुद पे हो, इसका है लेकिन ये आधा हो गया, किस चक्कर में न्यूक्लियस के कंट्रोल में, प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियर जीन से ही एनकोडेड होते हैं, इसलिए ऐसा है। क्लियर, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एनालाइज द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन, और इसमें देखो दे रखा है क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड का टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट दे रखा है बच्चों, एमाइलोप्लास्ट दे रखा है, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ठीक है, तो सर मैं ये कर सकता टाइप्स पे आ गए, ये देखो इसी के टाइप है ऊपर वाले के, थोड़ा सा एक बार टाइप बता ही देता कि क्लियर हो जाए, जैसे एनसीईआरटी में बता रखा है, ब्लैंक पे चेक कर लेते हैं अगर अपने पास है तो, नहीं है इसे यहां बताना पड़ेगा जी। जो प्लास्टिड्स हैं उनको तीन टाइप में डिवाइड किया, एकदम सिंपली एक बार बता देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। किस बेसिस पे, जो पिगमेंट्स होंगे पास उसके बेसिस पे, जैसे ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट जो होते हैं वो सर अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट है तो कलरलेस हो गया, पिगमेंट अब्सेंट तो कलरलेस हो गया। सर इसीलिए देखो ये एग्जैक्टली जो है ना एनसीईआरटी लिखती है कि ग्रेना इसमें नहीं होगा, नहीं होगा ठीक है, और ये स्टोरेज का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो गया कि पिगमेंट्स कौन से हैं, कैरोटीनॉइड्स, बिल्कुल कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है। इसको देखो दो जगहों से कनेक्ट आप कर सकते हो, यहां जो है ना ये कलर अपीयरेंस की बात अगर की जाती है तो सर ऑरेंज टू येलो टू ऑरेंज मतलब एक रेंज, और ये फोटोसिंथेसिस के एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जहां दे रखा है वह बिल्कुल रेंज लिखी है, बिल्कुल जो कैरोटीनॉइड्स हैं उनके लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट हो गया कि क्रोमोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल नहीं होगा, ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करवाएगा, इट इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। क्लियर जी सर, एंड क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट कैरोटीनॉइड्स एंड ऑल्सो द क्लोरो है, लेकिन ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे कैरेक्टराइज किया जाएगा कि क्लोरोफिल जो है वो उसमें प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा सर इसका जो ऑरिजिन इवोल्यूशन है उससे रिलेटेड बात हम कर लेते हैं। देखो ऐसा होता है, ल्यूको सबसे पहले बनेगा, ल्यूको से क्लोरो और क्लोरो से क्रोमो, एक स्टेटमेंट बोला जाता है द क्लोरो द प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। तो देखो इंटर कन्वर्टेबल में क्या सर हम ये कह सकते हैं, ल्यूको से आप क्लोरो पे गए, क्लोरो से आप क्रोमो पे गए, तो यहां तक तो ठीक बात है, क्या क्रोमो से क्लोरो और क्लोरो से ल्यूको पे आया जा सकता है? क्रोमो जो है वो परमानेंट है, बिल्कुल क्रोमो एक बार बन गया तो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ अब लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हम बच्चों के नॉलेज में डालना चाहेंगे, ये फैक्ट है बेटा, आपको जब भी कोई आंसर करना है या रेफर करना है तो आप ये ध्यान रखें, जैसा सर बोल रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो है दैट इज द लास्ट स्टेज और ये स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, ये कन्वर्ट नहीं होता। फिर भी कुछ एक्सेप्शन नोट किए गए हैं, जैसे आपने अगर कहीं देखा हो सर ये जो होता है ना अपने पंपकिन है, कुकुरबिटेसी से क्या है जी, तो इनमें जहां से वो लगता है ना नोक पे जहां से कद्दू लगा होता है ना, तो उस नोक के आप पास देखें पहले जब उसका पेरिकार्प है वो फ्रूट जो बना है तो वो ब्राउनिश हो जाता है, येलोइश फॉर्म में आ जाता है, पक जाता है, मतलब जब उसकी राइपनिंग होती है फ्रूट की, आप उसको उस पर प्रोलॉन्ग कंडीशन में रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए, हाँ लंबे टाइम बाद में आपको दिखेगा कि वहां से वो ग्रीन होना शुरू हो गया, हल्का हल्का ग्रीन होना शुरू हो गया। तो बहुत सारे रेफरेंसेज इसको नोट करते हैं, हायर रेफरेंसेज, कि जो क्रोमो है वो क्रोमो क्लोरो में फिर से कन्वर्ट हो सकता है कंडीशनली, जो कंडीशनली, हाँ हमें हमारे लेवल की बात अगर करनी पड़े, हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि कहीं हो सकता है डिस्कशन में आ जाए, ल्यूको क्लोरो एंड क्रोमो, और ये तो सिंपल वो आलू वाला एग्जांपल जनरली देते हैं, जो है ये मैच्योर होने के बाद जो उसका कलर कलरलेस हो जाता है, और ये मैच्योर होता है तो ग्रीन कलर का होता है, और वापस उसको अपन ग्रो करवाते हैं तो वापस से वो ग्रीन कलर का। और देखो उसमें तो सर बहुत इजी ना, क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रक्शन, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन तो आप बहुत कॉमन पढ़ते हैं कि वहां से डिग्रेडेशन अगर उसका हो गया तो ऑब्वियस है वो क्या बन जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा। तो जो स्टेटमेंट हम कहते हैं दे ऑल आर द इंटर कन्वर्टेबल, तो वो डेफिनेटली ल्यूको क्लोरो क्रोमो के लिए ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें कुछ केसेज में वो रिवर्स भी करता है, इसलिए स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। रिवर्स होने का रीजन भी तीनों के पास डीएनए है, हाँ। वो उसको कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल,
इसीलिए करेगा ना, अभी सेमी ऑटोनोमस की बात हम कर ही रहे थे, तभी रिवर्ट कर सकता है, नहीं तो रिवर्ट करने की पॉसिबिलिटी अकेले ऑर्गेनेल के पास नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी सारी बातें हमने कर ली हैं। अब देखो सर मैच कर लेते हैं, ये कह रहा है सही विकल्पों का चयन कीजिए और नीचे पेयर भी दे रखा है हमें। तो सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट दे रखा है, तो ये कह रहा है क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्ण होते तो हैं, बिल्कुल। फिर कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट डिवर्ड ऑफ एनी पिगमेंट, ठीक कह रहा है। फिर कह रहा है एमाइलोप्लास्ट स्टार्च कहीं दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट संचय मिसमैच हो गया, ये मिसमैच हो गया। एल्यूरो में प्रोटीन ये भी मिसमैच हो गया सर, ये मिसमैच हो गया, ये भी मिसमैच हो गया, बिल्कुल। फिर दे रखा है एलियो स्टोरेज का, ये मिसमैच हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड, सेकंड दे रखा है सर ऑप्शन आपके पास, ये इसमें स्टूडेंट्स बच्चों इसमें जो है वो क्या हो जाएगा। मैं जैसा कि बताना चाहूंगा ल्यूकोप्लास्ट को सर तीन टाइप में डिवाइड किया है, ये टाइप भी होते हैं आपके, एमाइलोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च एंड एलोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन एंड इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आपको पोटेटो ट्यूबर लिख के दे सकता है सीधा सीधा, आपको क्वेश्चन लिख के दे देगी पोटेटो ट्यूबर है कौन सा ब्लास्टेड होगा, तो आपका आंसर एमाइलोप्लास्ट होना चाहिए। आपको लिख के दे दे सर ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा एलोरोप्लास्ट, रिलेटेड एम्ब्रियोलॉजी में भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मोनोकोट सीड्स जो है उनके एंडोस्पर्म की जो लेयर है, जो ट्रिप्लोइड लेयर है जिसको एल्यूरोन लेयर हम बोलते हैं, याद रखने का भी अच्छा तरीका है, एल्यूरोप्लास्ट एल्यूरोन लेयर, तो वो एल्यूरोन लेयर प्रोटीनेशियस होती है, तो ये डेफिनेटली उसमें आप कह सकते हैं। तो मोनोकोट सीड्स में ये मिलेगा आपको, और इलियोप्लास्ट आपको पता है फैटी सब्सटेंसेस और ऑयल फॉर्म्स जो हैं उनके स्टोरेज से कोरिलेट करता है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। कितना सर देखा जाए तो कितना वेरिएशन है, देखो सेल ऑर्गेनल भी डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल उनके टाइप है, वेरियस टाइप्स है सर, उनमें भी बॉडी लेवल अच्छी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है। इवन आप ये मान के चलिए ना सेल अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, यहां क्लोरोप्लास्ट का जो थायलेकोइड मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसको भी एनसीईआरटी ने लिखा है दैट इज ए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, क्योंकि बहुत बड़ी फंक्शनिंग वो कर रहा है पूरे बायोस्फीयर को चलाने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर रहे हैं, तो सर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म तो डेफिनेटली होगी। कहां आपका प्रोकैरियोटिक सेल, कहां यूकैरियोटिक, कितना कॉम्प्लेक्स कितना क्रिएट होगी। हां और इसी के बिहार पे आप कहते हो कि प्रोकैरियोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिंपल है, लेकिन फंक्शनिंग उसकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उधर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर है सेल में, अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, और इवोल्यूशन में पढ़ाते हैं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, उसमें भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए, तो मेरा मानना है कि आगे भी पता नहीं क्या होगा। हां हो सकता है हमारे बाद कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, इवन आप कहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन स्मार्ट तो हुआ ही है, ये जो सामने बच्चे हमारे देख रहे होंगे हमारे से ज्यादा स्मार्ट हैं डेफिनेटली, तो फर्दर अब हम अंदाज नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ये हम अभी बात कर चुके हैं, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स नहीं, क्योंकि हमें दे रखा है सर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट होते नहीं। फिर कह रहा है पोजीशन ऑफ थायलेकोइड ग्रेना, मैंने अभी बताया था आपको कि जो ल्यूको है उसमें ये नहीं होगा, स्टोरेज ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो देखो क्लोरो दे दिया एक, एक क्रोमो आपको दे दिया और एक ल्यूको आपको दे दिया, ये भी नहीं होगा, वेरिएबल हो गया। फिर कह रहा है एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फ्यूजन लाइक प्रोसेस, डेफिनेटली ये करेक्ट रेफरेंस, तीनों में फ्यूजन कैपेसिटी, क्योंकि तीनों प्लास्टिड्स के टाइप और फॉर्म्स हैं। सर इससे रिलेटेड एक बात मुझे और ध्यान आ रही है, बच्चों के काम की हो सकती है, जो थायलेकोइड ग्रेना है उसका सैक बना है, आप कहते हैं ये लूमेन है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हम पढ़ते हैं, तो थायलेकोइड मेम्ब्रेन्स के दो फॉर्म्स आपको मिलेंगे, प्रोफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड। अगर प्रोफ्यूज्ड फॉर्म है तो लूमेन बनाएगा और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर लेगा, और डिफ्यूज्ड फॉर्म है तो इस तरीके से डिफ्यूज्ड फॉर्म हो सकता है। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया जाता है डाइवर्सिटी में भी हम पढ़ते हैं, जो एना बीना नोस्ट्रोक और ये बीजी है उनमें हेटरोसिस्ट प्रेजेंट है, तो वहां मेंशन कर रखा है कि उस हेटरोसिस्ट के पास फोटोसिस्टम है फर्स्ट, वो होने के बावजूद भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, रीजन है कि वहां जो मेम्ब्रेन है वो जो है वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, उसके पास जो थायलेकोइड फॉर्म है वो डिफ्यूज्ड है, तो स्टूडेंट्स डिफ्यूज होंगी तो ये होगा, और प्रोफ्यूज्ड होंगी तो इस तरीके से थायलेकोइड लुमेन स्पेस बन जाएगा, मतलब एनक्लोजर बन जाएगा, और ग्रेडियंट बनाने के लिए एनक्लोजर का होना बोली, वहां सिर्फ नाइट्रोजन के लिए परमिएबल है वो, अगर परमिएबिलिटी बाकी सेल्स के लिए बाकी गैसेज के लिए हो जाती, इवन ऑक्सीजन के लिए हो जाती, तो फिक्सेशन की एक्टिविटी फेल हो जाती, ठीक है। तो ये कुछ कनेक्टिविटी रही। नेक्स्ट पे चलते हैं, Which of the following organelle is present in highest number in the secretory cells? देखिए secretory cells लिखा है, secretion की activity कौन करे, तो Golgi body हमारे पास perfect answer है, यहाँ दे रखा है, option में नहीं है, हाँ तो dictyosomes दे रखा है सर, in case of the plants। अच्छा इससे related एक बात हम और करेंगे,
आपको मिल जाएगा अगर आप डिट्रियोसोम्स प्लांट्स और प्लांट की एक्टिविटी, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे दे रखी हैं, ये सर रूट है, ये रूट कैप इलोंगेशन में जाता है। बिल्कुल, आप ये जानते हैं कि इसको सॉइल में डेप्थ में जब अप्रोच करना है तो इसको लुब्रिकेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटेक्शन। हाँ, ये रूट कैप तो प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो है इसको लुब्रिकेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो लुब्रिकेंट्स जो है वो सीक्रेटरी एक्टिविटी से ही आ सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रूट कैप है उस रूट कैप में डिक्टियोसोम्स जो है वो अबंडेंस में होंगे, अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे, वहाँ काफी सारे प्रेजेंट होने चाहिए तब जाके उसको वो कंटिन्यू करवा पाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, एक हम पढ़ते हैं वहाँ जो अपने एम्ब्रियोलॉजी में किस तरीके से ये जो है वो पॉलन ट्यूब इलोंगेशन हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब इलोंगेट करती है, ये कैप ब्लॉक मेथड के थ्रू बढ़ती है, तो पॉलन ट्यूब के इलोंगेशन में भी डिक्टियोसोम्स अबंडेंटली यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगी, इलोंगेट हो पाएगी। और अपन अगर एनिमल की बात करें, हाँ, सेल वैल्यू तो कॉमन है, प्लांट उनमें भी जूलॉजी वाले बताते हैं आपका जो सीलिया है, ये आपकी बात है, लेकिन एग्जांपल थोड़ा सब्जेक्ट से अलग बात आपसे करना चाहूंगा, डेफिनेटली बताते हैं, लेकिन एक देखो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हम बॉटनी के लोग हैं तो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, हम एग्जांपल्स भी कोई लेते हैं, भले हमें पता भी होना एनिमल वाला, तो ज्यादा प्रेफरेंस हमारी पहले प्लांट वाले अप्रोच में जाएंगे। हाँ, बॉटनी के अप्रोच में जाएंगे, ये अपना फेवरेटिज्म होता है और ये हर इंसान में होना भी चाहिए। हाँ, तो सर आप कह रहे थे एनिमल्स का, बिल्कुल, एनिमल में भी जो सीक्रेशन हो रहा है, एग्जांपल आपका सीलिया हो गया, आईज में जो पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो भी सारा गोल्जी बॉडी के सीक्रेटरी जो सेल्स होंगे उनमें मैक्सिमम प्रेजेंस जो है वो आप गोल्जी बॉडी की कहेंगे, प्लांट्स के केस में यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ सर जो डिक्टियोसोम्स है इससे भी एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशलाइज टर्म होगी, बिल्कुल, फॉर द गोल्जी बॉडी, हाँ, प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में, मतलब कई बच्चों को हो सकता है पता नहीं होता है, हालांकि इतना वो नहीं है, फिर भी कई बार होता है, तो आप ध्यान रखें इन सब बातों का। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, देखिए ये राइबोसोम्स का अटैचमेंट है, अब देखो ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये किससे जुड़ा होता है, राइबोफोरिन, सर यहां दे रखा होगा, ये देखो राइबोफोरिन हमें दिया है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, मैग्नीशियम और टीआरएनए, इनका रोल सब क्लियर करें, जैसे मैग्नीशियम का जो रोल है वो आपका जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आपस में जब बाइंड होती है, जब इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है उसमें होता है रोल, इनको करेक्ट करने में, बाइंड करने में मैग्नीशियम की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये कह दिया जाता है क्वेश्चन ऐसा आता है, द राइबोसोम्स एक्टिवेट इन, तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट होते हैं, तो एक्टिवेशन साइटोप्लाज्म में उसका क्यों है, क्योंकि प्रॉपर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयंस की उसको रिक्वायर्ड है, जैसा सर ने बताया अभी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को कनेक्ट करने में, तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि ये जो मैग्नीशियम है ये इन दोनों को कनेक्ट करवा देता है, यहाँ राइबोफोरिन के साथ ही इसके साथ जुड़ा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर का सेगमेंट मैंने लिया है, तो मैं कह सकता हूँ इसको आरआर, यहाँ वो डिफरेंस भी सर इंपॉर्टेंट हो गया, तो आरईआर की जो मेम्ब्रेन है उसी में राइबोफोरिन होते हैं, एसईआर में नहीं होते, एसईआर में नहीं होते, हाँ, बाइंड नहीं करता उससे, इसीलिए वो इन पार्टिकल्स को होल्ड नहीं करती जो राइबोसोमल पार्टिकल्स हैं या राइबोसोम्स जो हैं। आपने देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने बताया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, आपने जो डायग्राम बनाया, देखो जो लार्ज सब यूनिट है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, स्मॉल सब यूनिट यहां अटैच है, और ये हो गया एमआरएनए, ये एमआरएनए, बिल्कुल, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगी तो लार्ज सब यूनिट बनती है, प्रोटीन बनते ही वो ईआर में चली जाएगी, और ईआर के बाद में ट्रांजिशनल वेसिकल के थ्रू आपको पता है गोल्जी बॉडी को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो क्लियर काफी है। नेक्स्ट, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेल, तो सर क्वेश्चन पे जाने से पहले राइबोसोम्स के टाइप पे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, कहाँ कहाँ हो सकता है, तो देखो पोजिशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, एक मैं लिख रहा हूं, मैं ब्रीफ कर रहा हूं, बाउंडेड, एक हम कह सकते हैं फ्री, और एक हम कह सकते हैं सर आप मेंशन कर दें इधर राइबोसोम्स विद इन सेल ऑर्गेनल्स, बिल्कुल विद इन सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, तो देखो बाउंडेड तो आपने अभी जैसे बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगा है, ठीक है, इसके अलावा सर अगर प्रोकैरियोट्स में भी हम जाएं तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो है वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, फ्री फॉर्म में अगर आप देखें तो दोनों ही केस में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों केस में साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं, और इसके लिए बच्चे पढ़ते हैं ना पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम फॉर्मेशन, तो वो फ्री फॉर्म का राइबोसोम जो हाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी के टाइम पॉलीराइबोसोम में आ जाता है, और ये सर यही क्वेश्चन है हमारा, विद इन सेल ऑर्गेनेल की बात करें अपन जी, तो आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, और देखो बहुत क्लियरली 70S मेंशन भी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 70S राइबोसोम्स जो है वो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में प्रेजेंट, कई बार वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, राइबोसोम जो है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ठीक है, राइबोसोम अपने आप में वैसे भी मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट साइटोप्लाज्म का, हाँ साइटोप्लाज्म का जो ग्रेन्युलर अपीयरेंस है
इट विल स्कैटर्ड और ये जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर दिखाई देता है। तो ये राइबोसोम के लिए आपका आंसर स्टूडेंट्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया एक आपको दे रखा है बस, इसके अलावा यहाँ देखो ये में सो में पाए जाते हैं तो ये विदिन की बात कर रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें अपन किस पर पाए जाते हैं तो आरईआर के ऊपर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। देखो ये आरईआर नहीं होंगे, इसको लिख दे मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, वो भी इंक्लूड हो जाएगा ठीक है। विदिन देखो मैं सर अभी जो कह रहा था ना बायोलॉजी में यही चक्कर है, इन विदिन ऑन ऑफ इस तरीके से फॉर्म एट इस तरीके से जो है ना वो लैंग्वेज चेंज होती है तो आंसर थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है जी। तो आंसर रहा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए, देखो सारी बातें वही आ रही है बिना किसी देरी के, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट गॉल्जी बॉडी में नहीं होगा आप जानते हैं, राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम में आपका आरएनए होगा, हाँ डीएनए का प्रेजेंस होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ अगर वो सर पूछ ले कि न्यूक्लिक एसिड, हाँ तब आप माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया क्लोरोप्लास्ट भी और राइबोसोम भी आंसर हो गया, तब आपके पास ये तीनों आ गए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, क्लियर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच ए बी सी डी इंडिकेटेड इन द डायग्राम, बिल्कुल अभी डायग्राम में खूब हमने डिस्कस इसको कर लिया है तो सर आप फटाफट लेबल कर दें, ए आउटर इनर कर रखा है, ए मुझे लग रहा है वेना है बिल्कुल, और जो बी है ये थायरॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बताया है सर एक 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 पर्टिकुलर स्पेस पर ये बता रखा, और जो सी है डायग्राम अपन बात कर चुके हैं वो स्ट्रोमा लैमेली हो जाएगा, रेड लैमेला और स्ट्रोमा लैमेला डिटेल में हमने बात की इस पे, और डी है जो स्टूडेंट्स ये देखो आपको दे रखा है ये स्ट्रोमा मैट्रिक्स, स्ट्रोमा मैट्रिक्स ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमें, ए ग्रेना बी थायलेकॉइड, ए ग्रेना बी थायलेकॉइड सी स्ट्रोमा, सी स्ट्रोमा लेवल ठीक है, डी स्ट्रोमा यही हो जाएगा सर, सेकंड सेकंड जो है वो परफेक्ट मैच है। तो ये बच्चों क्लोरोप्लास्ट का जो है वो स्ट्रक्चरल रेफरेंस आपको दिया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हां केयरफुली रीड करना होता है। ER divides intracellular space into two distinct compartment that is the luminal and extraluminal. ये सब दे रखा है NCERT में, अभी हमने डायग्राम शुरू में डिस्कस भी किया था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुमिनल और एक्स्ट्रालुमिनल स्पेस में डिवाइडेड है, ये स्टेटमेंट करेक्शन कर लेते हैं करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है RER is extensive and continuous with the outer membrane of nucleus, ठीक है तो वो एक्सटेंसिव है कंटिन्यूस है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर हमने बात करी थी पहले ही प्लाज्मा में। फिक्स्ड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गॉल्जी बॉडी, देखो ये भी सर बात कर चुके हैं, आपने बताया था सर वेरिएबल नंबर होता है इसका, तो इनकरेक्ट हो गया। द सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ गॉल्जी आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ठीक है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, डायग्राम भी अपने बनाया था इंटरकनेक्टेड होती है। फिर क्या है, द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स रेयरली रिमेन्स एसोसिएशन विद ईआर, ये गलत बात है, रेयरली ऑलवेज एसोसिएट करता है वो, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तो फंक्शनिंग ही तब होगी जब गॉल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएशन में रहेगा, जो रिसीव द वेसिकल्स वेसिकल्स जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स है उनको सिस स्पेस से रिसीव करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए आउट ऑफ फाइव, और मेरे ख्याल से ये सही रहता है सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी तो आप वही मेंशन कर दो करेक्ट इनकरेक्ट, फिर लास्ट में जो पूछे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर लो ठीक है। इसने पूछा है इनकरेक्ट पूछे हैं तो इनकरेक्ट इसमें हो गया आपके वन और टू, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस, देखिए इसमें सर थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों का दिमाग सीधा यहां जा सकता है, नॉन मेम्ब्रेनस, लेकिन ये जो स्पिरोसोम्स हैं माइक्रोबॉडीज में मेंशन किया, माइक्रोबॉडीज और माइक्रोबॉडीज सेल ऑर्गेनेल होता है, इवन सेल ऑर्गेनेल मेंशन किया, जैसे पेरोक्सिसोम्स हैं, स्पिरोसोम्स हैं, ग्लायोक्सिसोम्स हैं, तो ये ध्यान रखें बच्चों आप, ये एक रेफरेंस है, माइक्रो बॉडीज ये होते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट जो होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता कई बार चीजों को, एनसीईआरटी में भी लास्ट में बस दो स्टेटमेंट दिए हैं, बस इतना ही दिया है। तो ये देखो, ये पहली बात तो वो कह रहा है नॉन मेम्ब्रेनस कौन सा है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए ये डीएनए कंटेंट ही होता है, जो सेल डिवीजन जब होता है तो वो क्रोमोसोमल फॉर्म में अपीयर हो जाता है, तो ऑबवियस है ये यहाँ आपके पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ईआर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, गॉल्जी बॉडी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, और स्पिरोसोम आपने कहा माइक्रोबॉडीज में काउंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट, Which of the following is correct for Golgi apparatus? तो सर देखिए यहाँ पढ़ा है, आप टिक मार करते जाएं, मैं पढ़ रहा हूँ। Causes enzymes with functional at pH 4.6 to 5. ये स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो आपके लाइसोसोम के लिए बिल्कुल बिल्कुल, लाइसोसोम जो है
वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 5 पीएच पर जो है वो फंक्शनल होता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, साइटोप्लाज्म से कम होती है, साइटोप्लाज्म की 7 और मोर देन 7 हम मानते हैं। फिर कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर फ्यूज विद द ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी, ट्रांस लिख दिया है, देखिए सिस फेस से एंटर करता है तो सिस के साथ एसोसिएट होगा तो इनकरेक्ट हो गया। फिर स्टूडेंट्स कह रहे हैं द सिस फेस ऑफ द गोल्जी रिमेंस इन द क्लोज एसोसिएशन विद ईआर, ये ठीक है बिल्कुल। ये देखो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें न्यूक्लियस लिखा हुआ था तो तब भी मैंने कहा था कि ईआर हो सकता है आपके पास, बिल्कुल यहां देखो डायग्राम से बताया जाता है ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये होगी आर ईआर ईआर, यहां पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है तो नियर न्यूक्लियस भी है। हां स्टेटमेंट हमने सर पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट के साथ वो तो वहां न्यूक्लियस लिखा हुआ था तो आप ध्यान दें बच्चों न्यूक्लियस भी हो सकता है ईआर में लिख के आपको दे सकता है। फिर सर लिखा है इट पॉजेस ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी लाइसोसोम की बात कर रहा है तो यहां आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड द सिस फेस ऑफ द गोल्जी रिमेंस इन द क्लोज एसोसिएशन विद ईआर, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेलेक्ट ऑड वन विद रेफरेंस टू द लाइसोसोम और ऑड वन आपको चूज करना है इसमें तो मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूं सर, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मड बाय द पॉजेस पैकेजिंग इन द गोल्जी, ठीक बात है आपने बताया था गर्ल सिस्टम पहले बात कर चुके, सबसे पहले बात हमने की है। फिर कह रहा है कंटेन हाइड्रोलाइज एंड लाइपेज प्रोटीएज इन द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक बात है ये भी सही है। दे आर कैपेबल टू डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलोज, ठीक है यहाँ इनकरेक्ट हो गया, हाँ मैंने इसको मार्क किया। एक स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं, दे आर द सुसाइडल बैग, तो ये स्टूडेंट्स इनमें तो कोई डाउट आपको है ही नहीं जहां तक मैं समझता हूँ। अब सर देखो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा, वो कह रहे हैं दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलोज, जी यहां तक तो करेक्ट है हाँ, लेकिन जैसे सेलुलोज का डाइजेशन जो है वो सेलुलेज करेगा और सेलुलेज जो है वो एब्सेंट होगा। इवन लाइसोसोम की प्रेजेंस आप जानते हैं एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैरेक्टराइजेशन एनिमल सेल का। अच्छा सर एक बात कई बार बच्चों के दिमाग में आती है जैसे लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलेटेड सम और फ्यू एंजाइम्स दैट रिजेंबल विद द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द वैक्यूल, प्लांट सेल की वैक्यूल में भी वो प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो डेफिनेटली मटीरियल को स्टोर तो करता ही है, दैट इज ऑल्सो द साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बट इन केसेज ऑफ फ्यू कॉम्पोनेंट्स फ्यू सब्सटेंसेज, सारे नहीं कर सकता वो जबकि ये सबको खा सकता है। देखो लास्ट में कंक्लूड कर रखा है इट इज द सोसाइटल, ऑटोफेगी करवा लो हेटरोफेगी करवा लो खुद की फेगी मतलब ओवरऑल सेल को डाइजेस्ट करवा लो सब काम ही करता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया जिसमें हमने कहा ये इनकरेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि यहां सेलुलोज मेंशन किया गया है। नेक्स्ट मैच द कॉलम, कॉलम मैच करवाया गया कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड आपको मैच करना है सर। इसमें दिखाया ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर है यहां लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस हो सकता है और ये स्पेसिफिकेशन एसईआर SER का हो जाएगा। फिर कह रहा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी में आप कह सकते हैं सिस और ट्रांसफेस, फिर लाइसोसोम बच्चों दे रखा है एंजाइम दे रखा है हाइड्रोलिज और वैक्यूल टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी हाईली सेलेक्टिव होती है, हाई लेवल का सिलेक्शन इसमें इसलिए है सेल के साइटोप्लाज्म से ज्यादा कंसंट्रेशन वैक्यूलर सैप की ऑलवेज होती है तो ये एक्टिव अपटेक की ऑलवेज करती है। तो स्टूडेंट्स हमने ये मिला दिए हैं आप ऑप्शन इसमें से चूज कर लें। नेक्स्ट मैच द कॉलम, फिर से कॉलम मैच आपको करना है सैप वैक्यूल, फिर लिखा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फूड वैक्यूल गैस वैक्यूल, ये सारी बातें हम फर्स्ट लेक्चर में सर कर चुके हैं वैक्यूल के साथ, फिर भी देखिए एक बार करते हैं। सैप वैक्यूल जो है वो बेसिकली एक्सर्सन एंथोसाइन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके साथ करेंट कर देंगे सर क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एनसीईआरटी सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार बिल्कुल। इवन मैं आपको बच्चों को बताऊं जो बीट रूट होता है ना अपने उसकी स्लाइस हम काटते हैं चुकंदर जिसको बोलते हैं उसके स्लाइस अगर आप काटते हैं तो आपकी फिंगर टिप्स पर्पल हो जाएंगी, पानी में डिप करके आप देखिए तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, जामुन है हाँ ब्लैकबेरी जो है एंथोसायनिन जो है वो वाटर सोल्युबल पिगमेंट हो गया। और इवन सर सेल बायोलॉजी के हिसाब से उसकी प्रेजेंस हम देखें तो कहाँ होनी चाहिए तो आप ये कहेंगे सैप वैक्यूल में क्योंकि वो जो है जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं जो कलर अपीयरेंस देते हैं उनकी प्रेजेंस क्लोरोप्लास्ट में है और वाटर इनसोल्युबल है वो फैट सोल्युबल सब है ये एनसीईआरटी ने मेंशन भी कर रखा है प्लास्टिड्स में। फिर दे रखा सर फूड वैक्यूल तो फूड उनको ट्रैप करेगा उनसे प्रोटेक्ट करेगा और जो हाँ एक्वेटिक हैबिटेट के हैं उनमें बायोमासी को क्रिएट कर लेगा उत्प्लावकता। तो ये बच्चों हमने मैच कर दिया है आप इसके अकॉर्डिंग देख लें ठीक है। नेक्स्ट Which one is not true for mitochondria? Mitochondria के लिए कौन सा सही नहीं है?
अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजी एलिजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, एनसीईआरटी की लाइन है सर। स्टेन मेंशन कर दें आप, जेनस ग्रीन बी लिखा जाता है। और ये अल्टीमेटली देखो सर, अपने जो एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वहां क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट थ्योरी में दिया है, लेकिन जो डाई है उसको, हाँ डाई को क्वेश्चन में पूछा गया, वहां एग्जांपलर में पूछा गया है। एनसीईआरटी का एग्जांपलर भी बच्चों को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है काफी आते भी है और अच्छे लेवल का है वो, एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर है। तो टॉपिक के साथ साथ आप पढ़ते रहे। फिर कह रहे थे नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर कांस्टेंट इन ऑल सेल्स, ये तो सबसे बड़ी गलत बात बोल दी इसने। हम अभी बिल्कुल बहुत सारा डिस्कशन कर, वेरिएबल नंबर होता है, वेरिएबल नंबर होता है, जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होगी, वैसे वेरी करता रहेगा वो। दीज आर सुसेट सेल एंड सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर, सही है सर, ये एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, साइज दे रखी है वो, हाँ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, परफेक्ट है। फिर कह रहे हैं ऑल द अबव, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या चूज करना था, नॉट ट्रू, तो हम किस पे जा सकते हैं, सेकंड आंसर पे स्टूडेंट्स जा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, गलत हो गया, पॉजिट क्रिस्टी विच आर एक्सटेंशन ऑफ इट्स आउटर मेम्ब्रेन। तो सर थोड़ा सा इनर मेम्ब्रेन का रेफरेंस बना के बच्चों को बता दें, ये पावर हाउस ऑफ सेल की बात कर रहे हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस रिलेटेड ये स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट हुआ। और ये देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है क्रिस्टी, आपको पता है इनर फोल्डिंग है। फिर कह रहा है आर साइट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करेंसी, देखिए ये यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है, दैट इज द एटीपी। और सर हम डिस्कस कर रहे थे अभी ETS जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, इवन हमने बात की, तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही ATP बनेगा, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर जो ETS प्रेजेंट है उसके थ्रू। और इंपॉर्टेंट भी है, इसने बोला है पावर हाउस ATP का सिंथेसाइज भी कर रहा है और प्रोवाइड भी कर रहा है बिल्कुल इन ऑल मेटाबॉलिक। सर इस बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, हालांकि इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें पूछा था सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन कहां होता है क्रेब साइकिल में, तो आपको पता है सिंगल स्टेप एक है, GTP और ATP बनता है, सक्सिनाइल थायोकाइनेज जो है उसके आइसोफॉर्म्स के कारण। तो एक अकेला ही स्टेप है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन करता है, बाकी क्रैब साइकिल में अगर आप देखें तो जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो सारे ही ETS के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर एटीपी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, और ये कॉन्सेप्ट भी है जो फॉस्फोराइलेशन वो तीन टाइप का है, हाँ जैसे एक तो आपका ऑक्सीडेटिव हो गया जो आपने बात की, फोटो हो गया, फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल SLP, हम कह दो मतलब ब्रॉड कैटेगरी से ये भी कर सकते हैं SLP सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन और ETS लेवल का फॉस्फोराइलेशन, उस ETS को फिर हम ऑक्सीडेटिव में और फोटोफॉस्फोराइलेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी में बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो सर ये भी तो हो गया कि ATP का फॉर्मेशन तो क्लोरोप्लास्ट भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ATP का फॉर्मेशन करता ही, बट वो पावर हाउस नहीं है, वो जो करता है वो वही ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करने में यूटिलाइज करता है, नहीं करता तो हम सबके लिए ही है, बट अल्टीमेटली वहां जितना ATP बनता है वो सारा ATP वही कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेल के लिए उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कंप्लीट सेल के लिए। इवन वहां से फोटोसिंथेसिस में जहां दे रखा है ना बायोसिंथेटिक पाथवे C3 साइकिल का डिटेल दे रखी है, वहां लिखा है कि जैसे लाइट वगैरह उसको मिल रही है तब ATP फॉर्मेशन होता रहेगा, और जैसे लाइट डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो सिंथेसिस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर से लाइट को फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से लाइट ऑपरेटेड सिस्टम है जो ATP बनाता रहता है, क्लियर। फिर कह रहे हैं इट फाउंड इन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोट्स में स्टूडेंट्स ये नहीं होता है, तो आपके पास ये जो है वो सही हो गया, थर्ड वाला एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट, ब्लू और रेड कलर पेटल्स इज मेनली ड्यू टू, देखिए हम बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं, जो प्लांट में फ्लावर्स हैं, फ्लोरिंग है, जितना कलर अपीयरेंस है, आप कहते हैं ग्रीन चिली, रेड चिली कैप्सिकम जो है, इसके अलावा आप कहते हैं टोमेटो की बात करें, ग्रीन टोमेटो, रेड टोमेटो, ये जितने सारे कन्वर्जन आते हैं, कैरेट कह सकते हैं, तो ये सारे स्पेसिफिकली क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। और ये क्रोमोप्लास्ट दिया सर, ल्यूकोप्लास्ट हमने डिस्कस किया था कलरलेस फॉर्म है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो करेक्टराइज किया जाता है किससे बच्चों, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से जो ग्रीन पिगमेंट है, और एल्यूरोप्लास्ट सर स्पेसिफिकली इसी का ल्यूको का टाइप है जो प्रोटीन स्टोरेज के लिए काउंट किया जाता है, तो यहां करेक्टराइजेशन आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ सर एक थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अपन फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, हाँ तो अपने ये कलर इम्पोर्टेंट थोड़ा ना, अपने तो टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो कलरफुल क्यों हो रहे हैं जितने वेरियस कलर के हैं, वो देखिए वो उनके मैचुरेशन का है, जैसे आपने कहा कि जो ये प्लास्टिड्स हैं दे आर इंटरकन्वर्टेबल, तो जस्ट अकॉर्डिंग टू द मैचुरेशन और फॉर रिक्वायरमेंट वो मैचुरेट होते हैं, होने के साथ साथ जो है वो इंटरकन्वर्टेशन में चले जाते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट एक ये होता है ना, देखो नेचर है ये, इसमें वाइल्ड अपीयरेंस है, जैसे हम ये बात करें कि ऑर्किडेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, ऑर्किड्स हैं, वो
एक वाइड रेंज ऑफ कलरफुल फ्लावर्स बनाते हैं, तो एक ही कलर का बना लेते, क्या जरूरी था इतना सारा बनाना, इतना सारा करना। तो ये अल्टीमेटली नेचर में जो है वो आप ये कह सकते हैं। आप इकोलॉजी में भी तो कॉन्सेप्ट लेते हो ना, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। हाँ, अट्रैक्ट इंसेक्ट इवन है ना, वहां क्वेश्चन दे रखा है इकोलॉजी में, व्हाई द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट, है ना। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कई बार, कहते हैं कि सर दे रखा है कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प श्वेत क्यों होते हैं, तो मैं सीधा कह देता हूँ कि कलरफुल होते तो भी क्या हो जाता। और सही लॉजिक है कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो है वो व्हाइट ही होंगे, एक विजिबिलिटी इशू है, और उसके अलावा जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स है उनके लिए जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा वो कलर अपीयरेंस के बजाय फ्रेग्रेंसेज पे फोकस्ड होता है। तो ये रीजन होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो सर ने भी क्वेश्चन मेरे से पूछा था, इसका मोटा मोटी एक ही आप आंसर कह सकते हैं, दैट इज द अडेप्टेशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग। क्लियर जी, अच्छी अच्छी बात हमने डिस्कस की। नेक्स्ट सर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शंस। ये कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सही है सर। फिर कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स लैक देयर ऑन रेप्लिकेशन। देखिए, इसीलिए तो सेमी ऑटोनॉमस कहा गया उसको, कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन कह रहा है कि अपना रेप्लिकेशन लैक करता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मशीनरी जबकि होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गए, इनकरेक्ट हुआ ना सर जी। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा हाँ, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो, हम पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं ए की, जिससे हमें आंसर सीधा मिल जाए। ए कह रहा है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों है, बात की थी क्यों है, क्योंकि उनका अपना जीनोमिक डीएनए है और उनकी अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है। तो ये बी मुझे एक्सप्लेनेशन लग रहा है सर इसकी, लग रहा है ना। वो इन्होंने ये बी में इनकरेक्ट कर दिया, इन्होंने बोल दिया हाँ, लैक कर दिया इसने, लैक करते ही इनकरेक्ट हो गया। इसको मैं अगर हटा दूं यहां से, तो आप देखिए फिर डेफिनेटली ये बी जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा, ए करेक्ट बी इज इनकरेक्ट। थर्ड पे जा सकते हैं सर जी। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, इसका मतलब इसी तरीके का पूछा था, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्टेटमेंट दिए थे, दो स्टेटमेंट दिए थे ए बी, मतलब ऐसा फॉर्मेट आता है कई बार। पहले अजर्सन रीजन जो होता था उसमें तो सर खूब अच्छा कॉम्प्लिकेशन होता था, लेकिन इस तरीके का आपको मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीट में भी देखा है सर अपन ने कि जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन सेट होते हैं उसमें भी वेरिएशन है, कि डायरेक्ट अप्रोच वाले, स्टेटमेंट वाले, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, अलग-अलग वैरायटी पूछेगा वो, थोड़ा वेरिएबल रखता है, वैरायटी थोड़ी रखता है जी। नेक्स्ट चले सर, 76 द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वो कह रहा है पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द फोटोरेस्पिरेशन ऑफ नॉन ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड परफॉर्म बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन एनिमल सेल्स। तो देखिए, पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज है, उधर सर मेंशन कर दें आप इसको, तो देखो ये कह रहा है फोटोरेस्पिरेशन ऑफ नॉन ग्रीन सेल्स। फोटोरेस्पिरेशन तब होता है जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इंटरप्ट हो जाती है, तो स्टेटमेंट को हमें कह देना चाहिए ये क्या हुआ, इनकरेक्ट। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया पॉजेस एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड्स, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आपको पता है सर, हम पहले बात कर रहे हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, और ये जो फ्लूइड नेचर है लिपिड का और मोज़ेक पैटर्न जो प्रोटीन का, इनको सबको एक्सप्लेन करता है। सिंगर निकोलसन ने फंक्शन और जो है स्ट्रक्चर दोनों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थायमिन प्रोटीन, थायमिन प्रोटीन दैट इज द मोटर प्रोटीन। हाँ, देखिए जितने जो साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे, तो वो जो है उनके आप ये कहते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन होता है, तो ये मेंशन कर रखा है। फिर कह रहा है लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी, ठीक बात है बिल्कुल, लाइसोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होता है। ये लीजिए इसका ये आंसर आपके पास है। तो हमारे से पूछा है सर क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स, देखिए कितने करेक्ट हुए, ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारे करेक्ट करेक्ट रेफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल हो गए फाइव स्टेटमेंट्स, फोर स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट, टोटल फाइव है ना, फोर करेक्ट, थर्ड आंसर जी। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट फॉर लाइसोसोम, लाइसोसोम के लिए कौन सा करेक्ट है, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। लाइसोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होगा, नहीं बिल्कुल गलत बात है, इट लैक प्रोटीएज, लाइसोसोम में प्रोटीएज तो प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकरेक्ट, प्रोटीन डिग्रेडेशन करता है। इट वर्क एट द लोअर पीएच देन द साइटोप्लाज्म, ये ठीक बात है। अभी जैसा हमने अभी बताई थी 4-5 के, 45-5 दे सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है। It is abundantly present in the plant cells. नहीं, incorrect. तो students, correct answer आपके पास हो गया। Third, ये जो है, वो cytoplasmic pH से कम pH hold करता है। Next, select the wrong match.
देखिए एल्यूरोप्लास्ट दे रखा है, इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। यहां स्टूडेंट्स आपको स्टोरेज रेफरेंस देखना है। एल्यूरोप्लास्ट आप जानते हैं प्रोटीन स्टोरेज है, बिल्कुल ये करेक्ट मैचिंग होगी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इलियोप्लास्ट आपको फैट ऑयल स्टोरेज दे रखा है, करेक्ट मैचिंग। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज दे रखा है, और ये लास्ट में इलियोप्लास्ट जो है वो आपको क्लोरोफिल स्टोरेज दे रखा है। ये सिर्फ जो है वो क्लोरोप्लास्ट के केस में जाएगा, इसलिए रॉन्ग मैच आपके पास आंसर यहाँ हो जाएगा। फोर, इसके सारे टाइप्स और सर हमने चार टाइप्स बना के अभी बात हो चुकी थी जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 79, एटीपी सिंथेसिस अकर इन, एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आप कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, डेफिनेटली होता है। क्लोरोप्लास्ट जो अपना करता है उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी के लिए बायोसिंथेटिक फेज में यूज कर जाता है, तो हमारे आंसर ऑब्वियस है बहुत, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर क्वाइट रिलेटेड एज दे आर स्टोर लिपिड एंड स्टार्च। देखिए क्लोरोप्लास्ट दे दिया, ठीक है, फिर क्रोमो भी दे दिया, तो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर इनको हम सब नहीं कर पाएंगे, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। फिर कहना दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, नहीं ऐसा नहीं है, कलरफुल पार्ट्स में तो सारे रंग जो है वही बिखेरता है क्रोमोप्लास्ट। फिर कह रहा है ये सॉरी दीज ऑल परफॉर्म ऑलमोस्ट सेम फंक्शन, देखिए इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट रेफरेंस तो हो गया, लेकिन एक बात यह है कि जैसे क्लोरोप्लास्ट का सर हम फंक्शन देखते हैं तो पहला फंक्शन वाइटल फंक्शन की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन साथ में स्टोरेज भी होता है, बिल्कुल। फिर है दीज आर इंटरकन्वर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गन, ये हमने खूब अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया है, ये आपने पहले डिस्कस कर लिया, इंटरकन्वर्टेबल ये होते हैं। जनरली आप ध्यान रखें, फिर से मैं बोल देता हूं सर, ल्यूको क्लोरो क्रोमो, द क्रोमो इज द मोस्ट स्टेबल, द ल्यूको इज द इनिशियल, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये इंटरकन्वर्जन में जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, देखिए नॉट इनकरेक्ट स्टूडेंट्स पूछा है तो ऑब्वियस है हमें करेक्ट रेफरेंस पे जाना है। पहला आपके पास है राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में सर 70S राइबोसोम है और उधर साइटोप्लाज्म राइबोसोम 80S है, तो वो कह रहा है कि राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट का है दैट इज लार्जर, लार्जर नहीं होना चाहिए ना, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमीएबल इन कंपैरिजन टू द आउटर मेम्ब्रेन, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल। देखिए इनर मेम्ब्रेन के लिए वो कह रहा है कि जो स्पेस लिमिटेड किया गया अपने डायग्राम में भी बताया था, ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रोमा होगा फिर, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल। अब ये कह रहा है द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इन बिटवीन स्पेस हो गया ये, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट हमें सही नहीं रखना चाहिए, ये इनकरेक्ट। फिर कह रहा है द लूमेन ऑफ द थाइलेकोइड कंटेन राइबोसोम, द लूमेन ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड लूमेन में राइबोसोम की प्रेजेंस, राइबोसोम स्ट्रोमा में होंगे, स्ट्रोमा में होंगे, उसमें नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जो नॉट इनकरेक्ट है मतलब करेक्ट जो रेफरेंस है वो हो गया सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग मैचिंग, ये कह रहा है एसईआर कंसर्न विद द लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, करेक्ट कर दो सर, करेक्ट हुआ। फिर कह रहा है सेल वॉल, इसमें कह रहा है आउटर नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। देखिए ये इन्फेक्शन जो वर्ड है ना सर, सेल वॉल की भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बिल्कुल सर, सेल वॉल प्रेजेंट इसका मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो एग्जैक्टली प्लांट सेल के लिए है। फिर कह रहा है सेंट्रियोल बोथ लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, एग्जैक्टली सर, थोड़ा सा अगर हम मार्क कर सके वहां परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स को, ये परपेंडिकुलर इस तरीके से पड़े रहते हैं और ये आप कह सकते हैं प्रेजेंट होती है इनकी सेंट्रियोल्स की जो सेंट्रोसोम बनाते हैं। फिर कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, क्या होता है रिस्पॉन्सिबल आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इस तरीके से आपको गलत मिलान जो है वो मैच करना था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये जो दे रखा है देखिए यही गलत हो गया, ठीक है, जो है फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, तो आपका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 83, इन प्लांट्स स्टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल, ये सर हमने काफी डिस्कस किया है, बिल्कुल सर जी। ये देखिए मेम्ब्रेन, और ये मैं कह सकता हूँ वैक्यूल जो एक लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है प्लांट सेल में, और इसमें आपने कहा जो कंटेंट प्रेजेंट है दैट इज द सेल सैप। तो देखिए ये कह रहा है
अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल, मतलब ये फैसिलिट कैसे करती है, ये कह रहा है टोनोप्लास्ट फैसिलिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डेफिनेटली बिल्कुल फर्स्ट ये एक्टिव एक्टिव करती है। हमने पहले भी बात की थी ना कि जो सेल साइड का जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन जो है वो ऑलवेज साइट ऑफ साइट से हाई होता है, तो ये पंप जैसा सर कह रहे हैं प्रेजेंट होगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। सेल सेप और देखिए लास्ट लेक्चर में भी सर मैंने रूट हेयर का रेफरेंस लेके हमने बात की थी, बताया था इस सेल सेप का कंसंट्रेशन हाई है, इसी का बेनिफिट है इस प्लांट सेल को कि पैसिवली इसमें किसकी एंट्री हो जाती है, वाटर की एंट्री हो जाती है, क्योंकि प्लांट के पास इतना सिस्टम एनर्जी सिस्टम नहीं था या एनर्जी स्टेटस नहीं था उसका कि बहुत लार्ज अमाउंट वाटर का जो है वो एब्जॉर्ब कर पाता। तो ये जो सेल सेप है इसके लिए हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं, इट ऑल्सो डिटरमाइन द ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल। क्लियर, ठीक है बच्चों अगले पे चले। 84 the large subunit of the ribosome is found to contain 23S and 5S type of RNA. This ribosome is found. देखिए 70S 80S दोनों हम बात कर चुके हैं। हाँ, दोनों डिस्कस कर चुके हैं और आप ये जानते हैं जो 70S है उसमें 23S and 5S होगा और ये 16S होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता लेवल करने की जरूरत है। और जो 70S है वो प्रेजेंट पूछिए। हाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लार्जर सबयूनिट जो राइबोसोम की है जिसमें 23S और 5S है, तो 70S राइबोसोम की होगी लार्जर सबयूनिट, और आप ये जानते हैं ये 50S होती है, ऑब्वियस है स्टूडेंट्स बैक्टीरियम में होगी, ऑब्वियस है क्लोरोप्लास्ट में भी होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगी, तो ये सब में प्रेजेंट होगी। बिल्कुल, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। जी नेक्स्ट, व्हेन अ लाइसोसोम फ्यूज विद अ फैगोसोम फूड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो देखिए सर इसमें थोड़ा सा हम ट्रैक पे अगर जाएं तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सीक्रेट किया, फॉर्मेशन किया, गॉल्जी बॉडी ने फाइनली एडिट किया और उसके बाद एक वेसिकल फॉर्म में इनको रिलीज कर दिया, ये आप कह सकते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम जो है सर वो इनएक्टिव फॉर्म है। अब जैसे एक्टिव होते हैं, हाँ एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, अब जैसे ही सेल से आप किसी तरीके का कंटेंट मतलब पिनोसोम और फैगोसोम जो है वो जैसे ही करवाते हैं और ये इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, अर्ली एंडोसोम लेट एंडोसोम सब आप पढ़ते हैं मैकेनिज्म, तो इसके बाद अब जो है वो ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा और ये जो है वो एक्टिव होगा, उसके बाद आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव वेसिकल है, फिर रेसिड्यूअल फॉर्म बनेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे देखो सर यहां दे रखा है सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ऑटोफेगिक वैक्यूल और रेसिड्यूअल बॉडीज। तो जो टाइप्स है सर मेंशन आप करने एक बार, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। बिल्कुल, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम एंड रेसिड्यूअल बॉडीज। इसमें जैसे आपका प्राइमरी में सर ने बताया इनएक्टिव, सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो आपका जो हो गया हेटरोफेगोसोम। हाँ हेटरोफेगोसोम, बिल्कुल। टर्शियरी लाइसोसोम में अपन फिर रेसिड्यूअल बॉडी को यहाँ पर काउंट कर लेंगे। एंड जो फोर्थ टाइप बता देते हैं जो ऑटो लाइसोसोम है, हाँ, जो सेल्फ ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब सेल में ही वेसिकल बनाते हुए जैसे पुराना माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए उसी को डाइजेस्ट करना है इस तरीके से। तो आंसर सर क्या हो जाएगा हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। देखिए ये दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जनरली बच्चों का कंफ्यूजन यही होता है, तो क्या क्या कहेंगे हम इसको, इनकरेक्ट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, अगर सर मैं एक बात बताऊं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये लिख के देता, मान लीजिए इसी स्टेटमेंट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख देता तो हमें कंसीडर करना चाहिए था, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही एक्जेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल सर, और सर रिसेंट स्टडीज जो कई हायर रेफरेंस तो पेरोक्सिसोम को भी लिखते हैं कि जो पेरोक्सिसोम है दैट आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम तो आपको एनसीईआरटी पे ही टिके रहना है, हमें बिल्कुल वही टिके रहना है, इसलिए आपका ईआर, जीबी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है ईआर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड ग्लाइकोजन, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट। हाँ सर, फंक्शन की बात कर रहे हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस,
जैसे आपका सब्सटेंस हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड भी हो गया, ग्लाइकोजन जो है उसका फॉर्मेशन भी करता है, अलग अलग रेस्पेक्ट में बात कर रहा है इसमें, एसईआर ईआर दोनों के बारे में बात कर रहा है, इनमें तो कॉमन ईआर हो गया। फिर कह रहे हैं राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, डेफिनेटली सर करेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, ये एक्जेक्टली इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, खूब डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सही स्टेटमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स कौन से हुए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें अब जाना पड़ेगा। हाँ, तो एक फर्स्ट ए को आप छोड़ दीजिए, बी सी डी करेक्ट है। ठीक है, बी सी डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट आंसर जी। नेक्स्ट, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स एंजाइम्स आर फाउंड इन, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स और एंजाइम्स जो है वो किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं होगा, डीएनए की बात हम कर सकते हैं लेकिन हमारे पास एंजाइम्स भी मेंशन किया गया है, सेंट्रोसोम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सर आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 88, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सर हमें कॉलम दे रखे, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मेंशन किया है, स्पिरोसोम मेंशन किया है, जैसे हम बात अभी कर रहे थे माइक्रोबॉडीज है, इसके बाद में डिप्टियोसोम्स दे रखे हैं जो गोल्जी बॉडी है, प्लांट सेल्स में सब डिप्टियोसोम्स हमने काफी इस पे डिस्कस कर लिया है, उसके बाद में पेरोक्सिसोम्स दे रखे हैं और इलियोप्लास्ट दे रखा है जो ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है। तो अल्टीमेटली सर आप इधर टिक मार्क करते जाएं, ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज इन्वॉल्व द डीटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फंक्शनिंग यहां दी है, एसईआर से रिलेटेड, एसईआर से रिलेटेड है, फंक्शनल रेफरेंस को यहां दिया गया है। स्पिरोसोम की बात अगर हम करें, माइक्रोबॉडी है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द लिपिड्स में ये इन्वॉल्व होगा, उसके बाद डिक्टियोसोम्स जो गोल्जी बॉडी है, ये स्टैक ऑफ द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी जो इंटरकनेक्टेड होती है, काफी डिस्कशन हम कर चुके हैं इस पे। पेरोक्सिसोम्स जो है ये भी आप जानते हैं माइक्रोबॉडीज है और फोटोरेस्पिरेशन का मेन सेल ऑर्गेनल है। बिल्कुल, जैसा सर फोटोरेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, फोटोरेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरा C2 पाथवे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट एक साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट इनको नहीं काउंट किया गया है। इसके बाद इलियोप्लास्ट, और इलियोप्लास्ट आपको पता है स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज ऑर्गेनल टाइप वगैरह बता चुके। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड जो थे वो हमारे पास इधर सेल ऑर्गेनल्स और उनके कंपोनेंट्स थे और इधर फंक्शनिंग उनकी थी। तो इस तरीके से आप अब इसमें देख लें, आपका आंसर इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, द स्पेरिकल हेड ऑफ द ऑक्सीसोम इज, स्पेरिकल हेड ऑफ ऑक्सीसोम, देखिए ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इस तरीके से मैं इसका एफ ओ पार्टिकल और F1, ये सर, तो ये सर इस पर मैं कह सकता हूँ ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये PMS है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल साइट है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और आप ये जानते हैं कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से H+ आयंस या प्रोटॉन्स जो हैं वो इधर फैसिलिएट होते हैं। सर इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पीएमएस में ले जा रहे हैं तब पंप होता है वो, एक्जेक्टली दोनों वर्ड लिखे हैं केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, और इधर से इधर आ ला रहे हैं तो फैसिलिएट हो रहा है, दिस वन इज द एफओ एंड दिस इज द F1, और यहीं से आप कहते हैं जैसे 2H+ में कह दूं ये पेयर ऑफ प्रोटॉन विल पंप विल फैसिलिएट और ऐसा करेगा तब आप ये कह सकते हैं वो इतनी एनर्जी लाएगा जिससे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करके क्या बना दिया जाए एटीपी का फॉस्फेट। तो सर इसमें हमें पूछा है द स्पेरिकल हेड ऑफ द ऑक्सीसोम्स, बिल्कुल सिंपल पूछा है, स्पेरिकल हेड F1 हो जाएगा, मैंने इसकी फंक्शनिंग तक की हमने बात कर ली जी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें देखिए स्टेटमेंट है, इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्मड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज नोन एज द पॉलीसोम। देखिए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कह रहा है और पॉलीसोम ऊपर से कह रहा है, ये अपन डायग्राम से भी बता चुके हैं। तो राइबोसोम्स जो है वो एमआरएनए पे लाइनअप होते हैं, तब पॉलीसोम आप इसको कहेंगे, तो इस केस में तो स्टूडेंट्स गलत हो गया। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स जी, बिल्कुल एसईआर की बात कर रहे हैं सर, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट, देखिए ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑफ ऑल बायोस्फीयर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है ऐसे कैसा स्टेटमेंट, और इसका सर हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों नहीं किया जाता इसको जबकि एक पूरी पाथवे को ये रिप्रेजेंट करता है, मेजर भी है, हाँ मेजर भी है, मतलब पूरा एक C2 साइकिल को ये रिप्रेजेंट करता है फिर भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट नहीं है, क्यों ऐसा है, तो आप ये देखेंगे कि फंक्शनिंग कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इवन आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन और उनकी फंक्शनिंग दोनों कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में दिखाई देंगे, क्लियर। तो इसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स हमारे पास C और D जो है वो करेक्ट है, C एंड D अलोन आर
करेक्ट, ये हम कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स 90 का हमारे पास आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए हमने आज ये डिस्कस किया सेल बायोलॉजी का एपिसोड सेकंड, जो ओवरऑल आपके बायोलॉजी के एपिसोड चल रहे हैं उनमें था। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम अच्छे से अच्छा इसको कनेक्ट करें और पूरे सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी आप तक पहुंचे, और मुझे लगता है सर हमने काफी कुछ इसमें से कर भी लिया है, कनेक्ट काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, और एक मैं देखने वाले बच्चों से स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि बेटा आप जब भी वीडियोस देखते हैं तो जहां कहीं आपको लगता है सजेशंस अपनी जो है वो भी आप अपने कमेंट्स में देखकर हमें बताएं। और इसके ठीक बाद जैसे ही हम सेल बायोलॉजी के और वीडियोज करेंगे और एपिसोड करेंगे जो सेल डिवीजन सेल साइकिल से कोरिलेटेड है, और उसके बाद में फर्दर फिजियोलॉजी होगा, तो ओवरऑल सब में हमारा अच्छा प्रयास रहेगा कि हम कनेक्ट करके आप तक वो सारी बातें पहुंचाते रहें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल, और मैं कहना चाहूंगा सर कि इसके बाद दो अपन गुरु नीति और प्रोवाइड करवाएंगे सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में माइटोसिस मियोसिस को अलग अलग अपन सेपरेट, हाँ, एक डिवीजन को एक में ले लेंगे दूसरे डिवीजन को दूसरे में, उसके बाद एक गुरु नीति और देंगे जिसमें कॉमन फिट क्वेश्चन जो आपस में, तो ओवरऑल स्टूडेंट सर कह रहे हैं 5 एपिसोड्स ऑफ गुरु नीति विल कंसर्न विद द सेल बायोलॉजी, जिसमें फर्स्ट आपने किया जनरल रेफरेंस का था, सेकंड में हमने ऑर्गेनल कर लिया, थर्ड में माइटोसिस करेंगे, फोर्थ में मियोसिस करेंगे, और फिफ्थ में फिर ओवरऑल कॉमन लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा टेस्ट एफर्ट भी हो जाएगा, आप जब सामने बैठ के उसको देखेंगे तो आपका एक तरीके से चेक हो जाएगा, वो सब कुछ कवर कर लेंगे। हाँ, सब कुछ कवर कर पूरा सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो सर हमने इसको जैसे एंजॉय किया, आई होप बच्चे भी एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू, एंजॉय द सेल बायोलॉजी।